Let us start our today's discussion on April 2022 month. अभी for upcoming prelims जो कि हमारे 5 जून को है, इसके लिए अप्रैल तक का भी हमने पढ़ लिया तो काफी है। अप्रैल के आगे क्या है, मई है, मई का उतना करने की जरूरत नहीं, बस बीच बीच में कभी कभार थोड़ा सा न्यूज पेपर देखते रहने का। ओके, अप्रैल का मई के करंट अफेयर की उतना जरूरत नहीं रहती, बस अप्रैल तक के अच्छे से कर लिए पिछले जनवरी से, जन टू अप्रैल। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है पॉलिटी में, इट इज अबाउट इलेक्शन फ्रीबीज। बस टर्म हमको पता रहे थे, फ्रीबीज मतलब क्या रहता है। फ्रीबीज मतलब इलेक्टोरल प्रोमिसेस रहते हैं, जैसा साउथ में वगैरह इलेक्शन के टाइम पर काफी बार लोग अनाउंस करते हैं कि हर एक सबको लैपटॉप देंगे, सबको साइकिल देंगे, इतना इतना अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, इसको कहते हैं इलेक्शन फ्रीबीज। तो उसके ऊपर ये डिस्कशन है, ठीक। तो ये चीज रहती है। फिर इसी तरीके से पार्लियामेंटरियंस या फिर मिनिस्टर्स वगैरह, ये लोग अश्योरेंसेस वगैरह देते रहते हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी ली जाती है पार्लियामेंट से। एक कमेटी रहती है, उस कमेटी ऑन पब्लिक अश्योरेंसेस, जो ये ट्रैक करते हैं कि मतलब मिनिस्टर ने जो प्रोमिसेस किए थे इलेक्शन के टाइम या आम दिनों में, वो उसको फुलफिल कर रहे हैं। ओके, कमेटी ऑन पब्लिक अश्योरेंसेस कहते हैं ये चीज। यहाँ पर एक कोट बहुत ही अच्छा दिया है, इफ यू गिव अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, इफ यू टीच हिम टू फिश यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। तो मतलब टेम्पररी चीज देने के बजाय उसको स्किल सिखाओ, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो ये अच्छा कोट है, इथिक्स में वगैरह हम ये लिख सकते हैं। अब आगे आ जाओ, 1.2 अर्बन लोकल बॉडीज। तो अभी क्या हुआ, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2022 वाज इनएक्टेड दैट सीक्स टू रीयूनिफाई द 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। दिल्ली में 3 म्युनिसिपैलिटीज थे, तीनों का मर्ज करा रहे। जब बनाई गई थी तब एक थी, फिर उसको स्प्लिट कर दिए गए, अब फिर से उसको दोबारा मर्ज कर रहे। ओके, अब देखो नीचे वाला देखो, उसके कमिटी का नाम इम्पोर्टेंट है। द स्प्लिट वॉज फर्स्ट प्रपोज इन 1987, बालकृष्ण कमेटी बैठी थी, उसने बोला था कि स्प्लिट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि यूटी के अंडर में जो म्यूनसिपालिटीज रहते वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते, याद रखो। और ऐसे जो नॉर्मल है अपने, वो समझो हाउसिंग अर्बन अफेयर वगैरह ऐसा रहता। तो इन्होंने कमेटी बिठाई थी, तो बालकृष्ण कमेटी, उसने बोला स्प्लिट कर दो। फिर और एक कमेटी बिठाई वीरेंद्र प्रकाश, इसने बोला कि स्प्लिट कर दो। बाद में स्प्लिट होता है, लेकिन अभी फिर से उसको मर्जर कहते कर देते। तो अभी जो इसके लिए एक्ट लाया गया, MCD एक्ट 2022, इट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसाइड वेरियस मैटर्स लाइक बिल्डिंग रेगुलेशंस, सैंक्शनिंग ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लोन्स बाय कॉरपोरेशन। ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। दूसरी, MCD कमिश्नर हैज बीन मेड अकाउंटेबल ओनली टू द सेंटर। MCD का जो कमिश्नर रहेगा, जो वहां का समझो IAS ऑफिसर रहेगा, वो अकाउंटेबल टू सेंटर। अभी 2 दिन पहले न्यूज में आया था, MCD कमिश्नर को अपॉइंट किए और एक स्पेशल ऑफिसर भी अपॉइंट किए, ठीक। और ऐसा हिस्ट्री देखा जाए म्युनिसिपैलिटीज की वगैरह, तो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन मद्रास 1688, सबसे पुराना मद्रास में है। उसके बाद बॉम्बे एंड कलकत्ता 1726 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और फादर ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन 1882-84 में था, इनको कहा जाता है। और जो मॉडर्न पंचायत राज है इंडिया में, कब आता है, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। और ये एक्ट क्या करता है, पार्ट 9A ऐड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9A और शेड्यूल 12। ओके, शेड्यूल 12 में कितने सब्जेक्ट हैं, 18 सब्जेक्ट है, और शेड्यूल 11 में 29। अब आगे आ जाओ, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो उनको लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना SDGs को, उसके बारे में पूरा जनरल आर्टिकल है, नहीं पढ़े तो भी मतलब समझ में आ जाएगा, जनरल चीजें। आगे आ जाओ, ये आर्टिकल में कुछ है नहीं ऐसा पढ़ने जैसा। 1.4 पे आ जाओ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIADI। अभी हाल ही में क्या, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया ऑन फंक्शनिंग ऑफ UIDAI, और उसने क्या बोला, आधार डाटा इज वल्नरेबल,
आधार डाटा क्या है, ये वल्नरेबल है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि मतलब UIADI का स्टैटिक वाला पार्ट, तो UIADI स्टैट्यूटरी बॉडी है इस्टैब्लिश अंडर आधार एक्ट 2016। दूसरी बात, ये जो मिनिस्ट्री में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये क्या करती है, 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर कॉल्ड एज आधार टू ईच रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ईच रेसिडेंट, नॉट ईच सिटीजन, डिफरेंस है। आधार इज नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इट इज इश्यूड टू एनी पर्सन हु इज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो 6 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए इंडिया में रहता है उनको ये दी जाता है आधार कार्ड। फिर आधार नंबर, देखो इसमें क्या रेसिडेंसी का प्रूफ हो नहीं है, ये सब अभी हमने देख लिया, ठीक। और क्या है, ठीक है, इतना ही था इसमें इम्पोर्टेंट हमारे लिए अभी फिलहाल तो। ओके, अब अभी हाल ही में कुछ अमेंडमेंट आए थे, जैसे हमने वो इलेक्टोरल जो अपना ईवीआईएम कार्ड रहता है, इलेक्शन ईवीएम कार्ड, तो उसको भी अटैच किए अब इससे, आधार कार्ड अटैच करने वाले, ओके, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। अब इसके बाद देखो 1.5, इंडियाज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या कहा गया है कि रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉल्ड फॉर क्रिएटिंग एन इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन, एक ही बॉडी बनाओ, अपने पास बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सबको मिला के एक बनाओ। तो कौन से बॉडीज हैं, CBI है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सबको मिलके एक ही बॉडी बनाओ, ऐसा CGI ने कहा। अब फिर इसके बाद अभी न्यूज में तो CBI के बारे में, ED के बारे में, SFIO के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन को पता रहना चाहिए। जैसा CBI क्या है, ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इन इंडिया, इस्टेब्लिश इन 1963 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड ग्रीवेंस। हमको डाउट होगा कि MHA में है ना, MHA में नहीं है, पर्सनल में, और रिकमेंडेशन दिया था संथानम कमिटी। इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नेदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके, इट इज गवर्न्ड बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये गवर्न्ड बाय है, नॉट एस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट, बट गवर्न्ड बाय, या फिर इसको जो पावर मिलती है ये एक्ट से मिलती है। लोकपाल एक्ट 2014 प्रोवाइडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ CBI डायरेक्टर थ्रू हाई पावर्ड कमिटी कंप्राइजिंग PM, CGI, लीडर ऑफ अपोजिशन, तीन लोग रहेंगे, PM, CGI एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। इसके बाद 2021 में प्रेसिडेंट प्रोमोलगेटेड 2 ऑर्डिनेंस टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ CBI एंड ED फॉर अप टू 5 years फ्रॉम फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 2 years। जनरली 2 year का टेन्योर रहता है, अब उसको कितना 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है CBI और ED के लिए। और ये असिस्टेंस करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल, लोकपाल और CVC दोनों को ये क्या करेंगे, असिस्टेंस करेंगे, याद रखें। अब इसके बाद ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये इसको 1956 में बनाया गया, और ये क्या करता है, 2 एक्ट हैं इसके अंडर में, मतलब उनको मैनेज करने का काम ये करता है, एक है FEMA और दूसरा है PMLA, फॉरिन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और दूसरा है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जो ब्लैक मनी वगैरह उसको कर्व करने के लिए। तो ये क्या करता है ED, अभी जो नवाब मलिक के ऊपर कार्रवाई होगी ED ने की, या फिर दूसरा महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, तो ED ऐसे जो मॉनिटरी क्राइम्स वगैरह है ज्यादा तो ED देखता है, ओके। FEMA जो है सिविल लॉ है, और PMLA इज अ क्रिमिनल लॉ, याद रखें। फिर इसके बाद SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स में आता है, एंड इट अकॉर्डेड स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक। इसी तरीके से और एक बॉडी है हमारे पास, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो टेरर रिलेटेड क्राइम्स इन्वेस्टिगेट करती है, गवर्न्ड बाय इट्स ओन NI एक्ट 2008, मुंबई अटैक के बाद ये एक्ट लाया गया था, और इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। इट गिव्स पावर्स टू सेंट्रल एजेंसी टू टेक सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ टेरर एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री, और गवर्निंग बॉडीज MHA, ये अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो बताओ IB किसके अंडर में आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, होम अफेयर्स, रॉ PMO में आएगा, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहाँ में आता है, CGI मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री में, पर्सनल में आता है, ओके, CVC याद रखिए।
इसके बाद देखो, हाँ अभी सीबीआई के रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसमें क्या है कि मतलब सेक्शन 6 ऑफ डीएसपी मतलब दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या बोलता है, इम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू गिव और डिनाई कंसेंट टू सीबीआई। अगर कोई क्राइम स्टेट में होता है तो सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा ही नहीं, इसकी जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट पर, अगर स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट देता है तो ही करेगा, नहीं देता है तो नहीं करेगा। ओके, तो अभी कुछ स्टेट ने विड्रॉ कर लिए कंसेंट जो दिए थे, जैसा वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है। ओके, और लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है सीबीआई को कि आप वो स्टेट में जाओ और ये इन्वेस्टिगेट करो, तो तब कंसेंट की जरूरत नहीं रहती। ओके, याद रखो दो टाइप के कंसेंट रहते हैं, एक जनरल और एक रहता है स्पेशल। जनरल कंसेंट मतलब सपोज महाराष्ट्र ने जनरल कंसेंट दे दिया सीबीआई को, इसका मतलब ये हुआ सीबीआई कोई भी केस इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और एक स्पेशल कंसेंट रहता है, वो केस बाय केस बेसिस, या कोई तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा कि ये पर्टिकुलर केस है वो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट सीबीआई से करना है, तो उसको कहेंगे स्पेशल कंसेंट, जो पर्टिकुलर केस को, जनरल जो रहती है जनरल कंसेंट। अब आगे आ जाओ, प्रिजन रिफॉर्म्स। हमारी जो प्रिजन्स है कंट्री के, बहुत ही बुरे कंडीशंस में है, प्रॉपर मतलब फैसिलिटीज वगैरह नहीं है, तो उसके ऊपर ही आर्टिकल आया। प्रिजन देखा जाए तो ऐसा स्टेट सब्जेक्ट है। ओके, और सेवन शेड्यूल होके ठीक है। लिस्ट टू याद रखना, जो लिस्ट वन मतलब यूनियन लिस्ट, लिस्ट टू मतलब स्टेट, और लिस्ट थ्री कॉन्करेंट। अब एग्जाम में क्या बोलेंगे, इट इज सब्जेक्ट ऑफ लिस्ट थ्री, लिस्ट थ्री मतलब कॉन्करेंट, याद रखना। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, कॉन्करेंट के बजाय लिस्ट थ्री दे सकता है, स्टेट के बजाय लिस्ट टू दे सकता है। इसके बाद देखो, जो ऑक्यूपेंसी रेट है 118% है, मतलब अगर 100 लोग रह सकते हैं उस जगह में तो 118 लोग रह गए, तो कंजेशन बहुत है। दूसरा क्या, नो सेपरेशन ऑफ अंडर ट्रायल, अंडर ट्रायल्स को क्रिमिनल के साथ रखा जाता है। ओके, और 75% क्या है, अंडर ट्रायल्स है, मतलब अभी उनके ऊपर चार्ज प्रूव नहीं हुए, अभी प्रोसीडिंग चल ही रहा है। अब लेकिन क्या होता है बहुत सारे केसेस में कि मतलब ये लोग वो क्रिमिनल के साथ रह जाते हैं, फिर वो सोहबत का असर जिसको कहते हैं, मतलब ये लोग सीख के आते हैं। बहुत सारे केस ऐसे हुए, पहले क्रिमिनल नहीं थे लेकिन जेल में जाके वो पहचान हो गई वगैरह ऐसे ही, और बाद में फिर क्राइम में आ गए, तो ये चीज भी होती है। 75% अंडर ट्रायल, ये डाटा इसलिए मैं हाईलाइट किया हूँ क्योंकि मेंस आंसर में लिखने के लिए आता है, ये बहुत काम के पॉइंट्स हैं। तो इसके बाद देखो, एक अभी मिनिस्टर ऑफ वुमन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली थी, वुमन इन प्रिजन। ओके, याद रखना इसको, वुमन इन प्रिजन। इसी तरीके से कमेटी भी बिठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, अमित अवाराय कमेटी फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स, अमित अवाराय। और एक नेल्सन मंडेला रूल्स बोल के है, वो किस रिलेटेड है वो, तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, यूएन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये हो गया। भला ठीक है, ये चीज बता, ह्यूमनली ट्रीटमेंट टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए ह्यूमन ट्रीटमेंट देना है, तो उसके लिए वो कन्वेंशन कौन सा है, जिनेवा, जिनेवा है ना, जिनेवा कन्वेंशन। तो वॉर के टाइम पे वगैरह सिविलियन के साथ, आर्म फोर्सेस के साथ अच्छा बर्ताव करना है तो जिनेवा कन्वेंशन, जब भी वॉर रहेंगे वो जिनेवा कन्वेंशन मतलब न्यूज बनेगा। इसके बाद देखो, फोन टैपिंग की भी काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी, मतलब जैसा अभी महाराष्ट्र में अभी गवर्नमेंट चेंज हो गई, जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो पीरियड में क्या हो गया था, कुछ अपोजिशन लीडर्स के फोन टैप किए गए थे, ये एलिज किया जा रहा है कि मतलब ये विदाउट प्रॉपर ड्यू प्रोसेस किया गया, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फोन टैपिंग अलाउ है क्या, अलाउ है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है। फोन टैपिंग इज अलाउड, पहली बात। दूसरी बात, कौन से एक्ट में है, तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। बोथ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हैव राइट टू टैप फोन्स अंडर सेक्शन 5 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। लेकिन ये कंसेंट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कुछ कंडीशंस दी है, ये पर्टिकुलर कंडीशन में आप कर सकते हो, जो नीचे के पॉइंट है, जैसा पब्लिक सेफ्टी, सॉवरनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अगर इस सारी की पॉसिबिलिटी है, इसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है, तो आप फोन टैप करने का मतलब फोन टैप कर सकते हैं। ओके, तो ये जनरली कॉमन कॉजेस रहते हैं। आप आरटीआई एक्ट भी पढ़ेंगे तो उसमें भी इंफॉर्मेशन कौन से रीजंस पे डिनाई की जा सकती है, तो ये चीजें बताएंगे। तो इसके लिए प्रोसीजर है, जो ऑर्डर इशू करेगा मतलब वो इशू करेगा सेक्रेटरी,
यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का जो सेक्रेटरी रहेगा वो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो स्टेट का जो होम डिपार्टमेंट रहेगा उसका सेक्रेटरी, ये दोनों में से कोई भी मतलब इशू कर सकता है। सेम चीज है फॉर इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन भी वगैरह ये लोग कर सकते हैं इनके ऑर्डर। ठीक है, अब आगे आ जाओ। यहाँ पर एक रिजर्वेशन इन प्रमोशन, वो एक डिबेट चल रहा है 1.8.2, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, रहा तो किस तरीके से रहना चाहिए, तो ये वाली बात। तो इसके लिए तीन केसेस के नाम याद रखो। तो देखो इसमें तीन केसेस के नाम जो हमको याद रखना है वो एक है, सबसे पहले 1992 में इंदिरा सोनी केस, ओके, जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट जब एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने तब ये केस चली थी। तो ये केस में रिजर्वेशन तो अपहोल्ड कर दिया ओबीसी के लिए 27%, बट रिजर्वेशन इन प्रमोशन उसने रिजेक्ट कर दिया था इंदिरा सोनी केस। लेकिन बाद में नागराज केस आते 2006 में, इसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन अपहोल्ड करते हैं लेकिन तीन कंडीशन रखते हैं। और फिर उसका जर्नैल सिंह केस आती है, इसमें क्या करते हैं रिजर्वेशन प्रमोशन फिर से वैलिड करार दिया जाता है, लेकिन वो दो पहले तीन कंडीशन थे अब सिर्फ दो ही कंडीशन था। मतलब एक कंडीशन जो थी कलेक्टिंग क्वांटिफाइबल डाटा ऑन द बैकवर्डनेस ऑफ SC ST, इसका जो रिक्वायरमेंट था अब वो जरूरी नहीं है। तो बस केस के नाम याद रखो, इंदिरा सोनी, नागराज और जर्नैल सिंह, तीन केस। इसके बाद अभी क्या हुआ था, 1.8.3, शाह फैसल एन आईएएस ऑफिसर फ्रॉम जम्मू कश्मीर कैडर रिजाइन, और इसने क्या किए फिर से इन्होंने वापस रिजाइन ले लिए और अब फिलहाल ही इज इन गवर्नमेंट सर्विस। तो वो न्यूज में था, तो फिर वो रूल्स वगैरह थोड़ा सा न्यूज में। तो देखो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं आईएएस आईपीएस और आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस, तो इनके जो रेजिग्नेशन वगैरह है इसके लिए रूल्स हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1958, और एज पर दिस रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट एन ऑफिसर टू विथड्रॉ हिज हर रेजिग्नेशन पब्लिक इंटरेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर सकता है रेजिग्नेशन वापस लेने। फिर इसी तरीके से दूसरी बात क्या है, जो रेजिग्नेशन देना है अगर कोई आईएएस ऑफिसर रेजिग्नेशन देना चाहता है तो किसको देता है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन केस ऑफ एन ऑफिसर सर्विंग इन अ स्टेट, कोई मतलब ऑफिसर है यूपी का तो यूपी के चीफ सेक्रेटरी को देगा रेजिग्नेशन। और अगर कोई सेंट्रल में ऑफिसर है तो वो क्या करेगा, सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, वो जो मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी रहेगा उसको देगा, याद रखना। फिर तो इसी तरीके से गवर्नमेंट को राइट रहता है रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ओके, अगर वो बंदा कोई पॉलिटिकल पार्टीज में वगैरह जा रहा है ना रिजिग्नेशन दे के फौरन, तो जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं रिजिग्नेशन, और वो ये भी चेक करते हैं कि कोई प्रेशर में वगैरह तो रिजिग्नेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो शाह फैसल का रेजिग्नेशन अभी तक वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बाद अब आगे आ जाओ, इंटरनेशनल रिलेशंस, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इवन HRC जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है ये भी हमेशा न्यूज में रहती है। तो क्या हुआ देखो, यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड रिजोल्यूशन कॉलिंग रशिया टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम UNHRC। ये जो ह्यूमन राइट्स की जो बॉडी है, रशिया उसका मेंबर है। इसमें देखो क्या रहता है, जनरली ये जो बॉडी है इसमें 47 स्टेट्स रहते हैं, इलेक्टेड फॉर 3 ईयर टर्म, 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, 47 स्टेट्स है। तो लेकिन अभी क्या रशिया ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है यूक्रेन में, तो आप एक प्रोविजन भी है कि आप सस्पेंड कर सकते हो मेंबर को, लेकिन अगर मेंबर को सस्पेंड करना है तो 2/3 मेजोरिटी से आपको रिजोल्यूशन पास कराना होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन पास कराते हैं 2/3 से तो मेंबर को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन अब उतना शायद मेजोरिटी तो नहीं मिला होगा। ठीक है, 93 इन फेवर, 24 अगेंस्ट, 58 अब्सटेंशंस थे, और इंडिया एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग, ऐसा रहा। फिर इसी तरीके से और कुछ है इसमें, ठीक है, हाँ इसी तरीके से कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए जा रहे हैं कि
कि मतलब ऐसा प्रोसीजर रहना चाहिए कि मतलब ऐसे जो कंट्रीज हैं जो ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हैं, पहली बात तो वो बॉडी पे आना ही नहीं चाहिए। 47 जो कंट्रीज हैं, ऐसे कंट्रीज रहना चाहिए जो ह्यूमन राइट्स में उनका रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन अभी क्या है, वोटिंग जो होती है मेंबर इलेक्ट करने के लिए सीक्रेट बैलेट से होती है, मतलब इंडिया कौन से कंट्री को वोट कर रहे पता नहीं चलेगा। तो इसमें क्या है, बैकडोर डिप्लोमेसी वगैरह चल जाती है। लेकिन अगर इसको हम ओपन बैलेट कर दिए ना, तो सबको पता चलेगा कि कौन किस कौन से कंट्री को सपोर्ट कर रहा है। अगर वो अगर ऐसे कंट्री को सपोर्ट करेगा जो ह्यूमन राइट वायलेशन करती है, तो वो कंट्री का निगेटिव इमेज हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली वो अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी कोई भी कंट्री जब वोट करेगा। तो ओपन बैलेट लाना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो इंडिया में होता है, ये ओपन बैलेट से होता है कि क्लोज बैलेट से होता है? क्लोज बैलेट से होता है, मतलब मेंबर्स जब इलेक्ट करते हैं तो उनको वोट अपना दिखाने की जरूरत नहीं पार्टी के व्हिप को। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन जब होते हैं, इट इज ओपन बैलेट। वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वगैरह, उनको स्लिप बताना पड़ता है कि आपने किसको वोट किया। ओके, ठीक है। अब 2.2 वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसके ऊपर है। अभी क्या हुआ, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 लाया गया और ये पास हुआ लोकसभा में। इससे पहले एक्ट ऑलरेडी था हमारे पास, 2005 में ही लाए थे लोकसभा ने, मतलब वो पास था। और ये जो अमेंडमेंट है किस लिए लाई गई, द रिसेंट अमेंडमेंट एक्सटेंड्स द स्कोप ऑफ बैंड एक्टिविटीज टू इंक्लूड फाइनेंसिंग ऑफ ऑलरेडी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज। ऐसे जो एक्टिविटीज है जो ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है और उनको फाइनेंस कर रहा है कोई, तो अब वो भी क्या है, अब वो भी बैन है। फाइनेंसिंग भी मतलब बैन है ऐसे एक्टिविटीज को करना, तो इसलिए लाया गया था। अब इसके लिए कुछ केमिकल वेपन्स के लिए वगैरह ग्लोबल लेवल पे कन्वेंशन भी है, केमिकल वेपन कन्वेंशन 1992, और इसके अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसको कहते हैं OPCW। इसका हेडक्वार्टर है नेदरलैंड, याद रखना एक नेदरलैंड। तो इसी तरीके से कुछ और ग्रुपिंग्स हैं मास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए, जैसा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है फॉर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, इंडिया इसका मेंबर नहीं है NSG का। दूसरे और ग्रुपिंग है जैसा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम्स और वासेनर अरेंजमेंट, ये तीनों का इंडिया मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप किस लिए है, केमिकल बायोलॉजिकल, तो उसको ऐसे याद रखो ABC, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, बी एंड सी बायोलॉजिकल केमिकल। इसी तरीके से वासेनर अरेंजमेंट, ये है ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, ड्यूअल यूज, जैसा न्यूक्लियर एनर्जी है आप उसको पीसफुल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाओ उससे, या फिर स्पेस सैटेलाइट वगैरह आप लॉन्च कर दो उस पर चलने वाले न्यूक्लियर पावर पे, ये पीसफुल पर्पज हुआ। वार के लिए अगर उसको यूज कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे मतलब बैड पर्पज, तो इसको ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज कहते हैं, तो उसके लिए वासेनर अरेंजमेंट है। और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, ये मिसाइल से रिलेटेड है, ये तीनों का इंडिया मेंबर। ठीक, अब आगे आ जाओ, अंटार्कटिका बिल, इंडिया ने अंटार्कटिका बिल लाया है इन लोकसभा, इसको लोकसभा टेबल किया है। द बिल इज फर्स्ट डोमेस्टिक लेजिस्लेशन अबाउट अंटार्कटिका इन द इंडिया, अबाउट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के लिए हम डेडिकेटेड बिल ये फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं। तो इंडिया को क्यों जरूरत है इसकी बिल लाने के लिए, ओके, तो देखो इंडिया की एक्टिविटीज बढ़ रहे हैं अंटार्कटिका में, रिसर्च बोलो, एक्सपेरिमेंट बोलो, या फिर इंडिया कमर्शियल रिसोर्स का भी यूज करना चाहता है। तो देखो जो अंटार्कटिका जो अभी फिलहाल गवर्न होता है ना, इसके लिए अंटार्कटिका ट्रीटी 1859, ये ट्रीटी है और इंडिया इसका सिग्नेटरी है। और ये ट्रीटी में कहा गया है कि जितने जो भी लोग इसको मतलब ट्रीटी को साइन कर रहे हैं, दे हैव टू प्रिवेंट और चेक अनलॉफुल एक्टिविटीज एट देयर रिसर्च स्टेशंस, हेंस द बिल प्रोवाइड वैलिडिटी टू द ट्रीटी। मतलब उनका जो रिसर्च स्टेशन है, जैसे इंडिया का क्या है, भारतीय मैत्री है, तो वहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए, इसलिए एक प्रॉपर कानून रहना चाहिए वो कंट्री में, ये अंटार्कटिका ट्रीटी कहता है। तो इन अकॉर्डिंग टू दैट अंटार्कटिका ट्रीटी वी हैव ब्रॉट दिस बिल, अंटार्कटिका बिल। ये अंटार्कटिका का मैप देखो, दो तीन बॉडीज है, जैसा रॉन आइस शेल्फ है, रॉस आइस शेल्फ, वेडेल सी, लार्सन आइस शेल्फ, ये पता रहना चाहिए नाम, बस पूछेंगे रॉन आइस शेल्फ इज रिलेटेड टू,
ओके ठीक। इसके बाद देखो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, तो इसने क्या क्या प्रोहिबिट किया है, लाइक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये चीजें अंटार्कटिका पे नहीं कर सकते। ओके और ये जो अंटार्कटिका ट्रीटी थी 1959 में आई और इसके 12 ओरिजिनल मेंबर थे। इंडिया इज नॉट ओरिजिनल मेंबर, इंडिया 1983 में ज्वाइन होता है। ओके और इंडिया में जो रिसर्च हो रहा है अंटार्कटिका बोलो आर्टिक बोलो या ओशंस में, तो ये जो रिसर्च है ये कौन से मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, याद रखो। और इसी तरीके से देखो यहाँ पर बहुत सारे रेगुलेशंस लाए हैं, जैसा यहाँ पे देखो ऑफेंस क्या है, कंडक्टिंग अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आप अंटार्कटिका पे नहीं कर सकते, एक चीज हो। दूसरा ड्रिलिंग ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेस और इंट्रोड्यूसिंग नॉन नेटिव एनिमल्स और प्लांट्स इन अंटार्कटिका विदाउट अ परमिट, वो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, क्योंकि लास्ट जो हमने टेस्ट लिखा था उसमें पूछा गया था अंटार्कटिका बिल के ऊपर। ड्रिलिंग वो क्या बोलेगा, एज पर द रिसेंटली प्रपोज अंटार्कटिका बिल, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस इज परमिटेड, तो सही है गलत है, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस इज परमिटेड। ओके अगर वो आप प्रॉपर परमिशन लेके करते हो तो परमिटेड है, अगर बिना परमिशन के आप कर रहे हो तो ऑफेंस, याद रखो उस स्टेटमेंट को समझ में आएंगे। ड्रिलिंग मिनरल रिसोर्स और इंट्रोड्यूसिंग नॉन नेटिव एनिमल और प्लांट इन अंटार्कटिका विदाउट अ परमिट, विदाउट परमिट गुना है, परमिट के साथ अलाउड है। दूसरी बात ग्रांट ऑफ स्पेशल परमिट फॉर कमर्शियल फिशिंग इन अंटार्कटिका, आप कमर्शियल फिशिंग भी कर सकते हो। ओके ये बिल फिर उसके लिए भी परमिट चाहिए, मतलब तो आपको पहले गवर्नमेंट के सैंक्शन लेना पड़ेगा फिर आप कर सकते हो, याद रखो ये चीज होगी। यहाँ पे देखो अगले पेज पे कम आइए, टिपिंग पॉइंट, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट, ये कुछ ऐसे नाइन कुछ यहाँ पर नाइन पॉइंट्स हैं क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स। तो ये क्या रहता है, देखो दीज आर द पॉइंट्स वेयर एनी स्मॉल चेंज कुड पुश द अर्थ सिस्टम इनटू अब्रप्ट और इरिवर्सिबल चेंज, ये ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर वगैरह चेंज होता है तो मतलब इरिवर्सिबल चेंज हो गया, बहुत बार डैमेज हो गया, तो मैप में दिया गया है रीजन, जैसा ग्रीनलैंड है, आर्टिक है, अंटार्कटिका है, ग्रेट बैरियर रीफ वगैरह है ऑस्ट्रेलिया के पास, ये सारे रीजन्स हैं वहाँ पे, टिपिंग पर। फिर इसके बाद देखो 2.4, 2.4 इंडिया यूएस रिलेशन, तो वही चीज है, जब भी रिलेशन की बात आ गई आईआर के क्वेश्चन में स्ट्रक्चर याद रखो, पहले अच्छी चीजें बताना दोनों कंट्री में क्या अच्छा चल रहा है, फिर उसका चैलेंजेस बताओ क्या दोनों के रिलेशन में खटास है और उसके बाद उसके लिए क्या करना चाहिए। 2+2 डायलॉग हमारा हमेशा पढ़ते हैं, उसमें दो मिनिस्टर रहते हैं फॉरेन और डिफेंस। ओके ये दोनों रहते हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर नहीं रहता है इसमें, फॉरेन को ही एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये क्या रहता है, मिनिस्टर को सेक्रेटरी कहते हैं यूएस में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन मिनिस्टर। ओके इंडिया हैज 2+2 डायलॉग विद फोर की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तो कॉर्ड हो गए, और रशिया। ठीक इसी तरीके से देखो एक्सरसाइजेस हमारे दोनों यूएस इंडिया के चल रहे, युद्धाभ्यास वज्रपहार ये है, इसरो किसी का कोई डाउट है आवाज आपका काफी बारीक है, ठीक है मैं आप टाइप करके भेज सकते हैं। ओके आप देखो इसरो और नासा दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने वाले, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, उसका नाम है निसार, निसार याद रखना, NISAR, नासा और इसरो दोनों मिलके बना रहे। ओके ठीक है इसके बाद देखो इंडिया रिमेंड ऑन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऑफ यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट,
ये रिपोर्ट याद रखो, स्पेशल 301 रिपोर्ट। ये क्या बोलती है, इंडिया इंडियाज पेटेंट ट्रीटमेंट हाई आईपी थेफ्ट एंड लैक्स ट्रेड सीक्रेट। इंडिया में ये क्या बोल रहा है, इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह जो है वो प्रॉपरली मतलब मेंटेन नहीं होते, उसके वायलेशन होते हैं। तो इसलिए वो यूएस के जो रिपोर्ट है स्पेशल 301, इसने इंडिया को वॉच लिस्ट में रखा है। ओके, कंसर्न, ठीक, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। फिर इसी तरीके से जैसा काट्सा एक्ट, ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। काट्सा क्या कहता है, अगर यूएसए का कोई एनिमी कंट्री है और कोई थर्ड कंट्री उसके साथ ट्रेड कर रहा है तो इंडिया वो थर्ड कंट्री पे सैंक्शन लगाए। अब रशिया यूएस का एनिमी कंट्री है, एडवर्सरी है, और इंडिया रशिया से बहुत सारे वेपन्स परचेस कर रहा है, S-400 खरीद रहा है, तो अब यूएस इंडिया पे सैंक्शन लगाएगा या नहीं लगाएगा, ये थोड़ा सा ये चल रहा है उसके ऊपर। अगर यूएस लगाता है तो फिर दोनों के रिलेशन में दूरियां और बढ़ सकती है। ओके, और इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया को हक है कि मतलब वो किससे भी वेपन प्रोक्योर करे। ओके, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस मतलब क्या है, कि मतलब जो स्पेस डिब्रीज वगैरह है ना, इनके बारे में एक मैपिंग करना है, कौन सा डिब्री कहाँ पे है। हमारे फ्यूचर में हम मिशन लॉन्च करने वाले हैं, ऐसा ना हो कि हमारे कोई मिशन को उसके वजह से डेब्रीज की वजह से डैमेज हो जाए। तो इसके लिए इंडिया और यूएस दोनों मिलके स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ये इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है। ओके, इसमें ट्रैकिंग किया ट्रैक किया जाएगा डेब्रीज को। इंडिया का वैसे अपना खुद का प्रोजेक्ट है नेत्रा प्रोजेक्ट, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, इट इज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम इन द स्पेस टू डिटेक्ट डेब्रीज। ओके, नेत्रा प्रोजेक्ट कहते हैं इसको। नेत्रा और एक नेत्रा है जो इंडिया को मतलब जैसा आयरन डोम है इसराइल का, वैसा इंडिया का नेत्रा है एयरबॉर्न थ्रेड से इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो DRDO का। अब इसके बाद देखो इंडिया जापान रिलेशंस, 70 ईयर्स हो गए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। और ऐसा हिस्ट्री देखा जाए तो इंडिया के बुद्धिस्ट मॉन्क थे बोधिसेना, 750 में AD में चले गए थे, ये चले गए थे जापान। हमारे बहुत सारे जापान के साथ पार्टनरशिप चल रहे हैं। ये जापान का मैप देखो, जापान में 3 बड़े आइलैंड हैं, 4 भी कह सकते, होकाइडो, होनशू, शिकोकू और क्यूशू। जो टोक्यो है, टोक्यो इज ऑन होनशू आइलैंड। ओके, फिर इसके बाद देखो इसी तरीके से इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तीनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। सप्लाई चेन रिजिलेंस इनिशिएटिव चाइना के ऊपर का डिपेंडेंस कम करने के लिए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसी तरीके से जापान और इंडिया ये G4 के मेंबर है, ये 4 कंट्रीज है जो डिमांड कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट। 4 कंट्रीज कौन से है, इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील। इसका न्यूमनिक है बिग जे, BIGJ। इसके अगेंस्ट में दूसरी ग्रुपिंग है, उसका नाम क्या है, कॉफी क्लब। इसी को क्या कहते हैं, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, दो नाम है उसमें, इटाली है और रोम है। ये मालूम रहना चाहिए, PYQs भी इसके ऊपर पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है ये दोनों, G4 एज वेल एज कॉफी क्लब। इसके बाद इसरो जापान दोनों मिलकर एक लूनार मिशन भी लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम है डुपेक्स। ओके, डुपेक्स। और जो इश्यूज है कुछ दोनों कंट्री के बीच, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जैसा डाटा लोकलाइजेशन के ऊपर, इंडिया क्या बोलता है डाटा लोकलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन जापान क्या बोलता है डाटा को फ्लो होने दो, लेकिन बस ये देखो कि वहाँ पे सेफ है बाहर की कंट्री। तो इसलिए जापान ने क्या लाया, ओसाका ट्रैक, ये डायलॉग है फ्री फ्लो ऑफ डाटा के लिए, लेकिन इंडिया ने उसको साइन नहीं किया। फिर इसी तरीके से इंडिया तुर्कमेनिस्तान रिलेशन, फर्स्ट टाइम इंडिया का प्रेसिडेंट तुर्कमेनिस्तान चला गया। ओके, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। फिर इसी तरीके से इंडिया तुर्कमेनिस्तान के रिलेशन इंडस वैली से हैं। तुर्कमेन गेट ये दिल्ली में है, मतलब वो इंडिया तुर्कमेनिस्तान के पुराने रिलेशन बताता है तुर्कमेन गेट। ऐसे सूफी हजरत थे शाह तुर्कमन, उनके याद में बनाया गया था। इसके बाद देखो जो इंडिया और तुर्कमेनिस्तान है, ऐसे प्रोजेक्ट कौन से जैसा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर,
मतलब हम क्या करेंगे, थ्रू ईरान हम लोग रशिया सेंट पीटर्सबर्ग वहां तक जाएंगे। ओके, फिर इसके बाद तापी पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ओके, तुर्कमेनिस्तान में ग्यालखिनिश गैस फील्ड है, बहुत बड़ी गैस फील्ड है, नेचुरल गैस, तो वहां से हम नेचुरल गैस लेकर आएंगे, इसी को ही पीस पाइपलाइन भी कहते हैं। ओके, याद रखो। अभी लास्ट इसमें क्वेश्चन भी था, हेल हेल डोर ऑफ द हेल इसको कहते हैं, क्रेटर है तुर्कमेनिस्तान में। हाँ, रशिया ने वहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन करवाया था और वहाँ पे क्या हुई, नेचुरल गैस निकला और आग लग गई, तो अभी पिछले 50 साल से अभी भी वो जल ही रहा है और कंटिन्यूस, तो उसको गेटवे टू द हेल कहते हैं। ओके, फिर इसी तरीके से और एक अशकाबाद एग्रीमेंट है, अशकाबाद तुर्कमेनिस्तान में ही है। इसका ये प्रोजेक्ट का एम क्या है, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करना है सेंट्रल एशिया से। ओके, फिर दूसरी चीज और एक याद रखो, ये तुर्कमेनिस्तान टच करता है कैस्पियन सी। ओके, इस तुर्कमेनिस्तान मेंबर ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ का मेंबर है, नहीं है। अभी रिसेंट में ईरान ऐड हुआ है एससीओ मेंबर में, याद रखो। अब हम, हाँ, इसी तरीके से 2.7.1 में ये इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ जिसको कहते हैं, इट इज नॉट मेटेरोलॉजिकल, डब्ल्यूएमओ मतलब वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और आईएमओ मतलब इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक डब्ल्यूटीओ है अपना वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और एक है यूएनडब्ल्यूटीओ, वो क्या रहता है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, दोनों अलग है। WTO World Trade जो है, it is not a specialized agency of UN, और UNWTO है, it is specialized agency of UN, IMO International Maritime Organization, it is also specialized agency of UN, ये जो पूरा maritime trade वगैरह होता है, maritime जो transport वगैरह होता है, ये देखता है, regulate ये करेगा laws वगैरह, इसका headquarter है London, ऐसे जो एक international civil aviation organization है, जो aircraft flying वगैरह होता है, उसके लिए rules वगैरह वो set करता है, उसका headquarter है मॉन्ट्रियल कनाडा। इसके बाद देखो रायसीना डायलॉग, ये भी लास्ट टेस्ट में पूछा गया। रायसीना डायलॉग क्या है, ये दिल्ली में होता है सिंस 2016 से हो रहा है और इसमें क्या है, मतलब पूरे जियोपॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस होते हैं। ओके, और इसको जो होस्ट करता है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अलोंग विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF जिसको कहते हैं। ORF क्या रहता है, ORS सॉल्यूशन, आप सुनते हैं ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, डिसेंट्री वगैरह हो गई तो ORS कहते हैं। ये ORF है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, थिंक टैंक है ये। इसके बाद देखो इकोसॉक भी न्यूज में है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, इट इज वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ UN चार्टर। अब वो एग्जाम में क्या बोलेगा, इकोसॉक इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, सही है गलत है, इट इज ऑर्गन नॉट स्पेशलाइज्ड एजेंसी, दोनों में डिफरेंस है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी 6 है, सेतु जी, ओके, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप, यूएन सेक्रेटरीएट, जनरल असेंबली और ICJ। ओके, और ये बाकी वाले 15 जो हैं वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। IR पे काफी क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल बॉडीज पे वगैरह, तो ये थोड़ा सा अपना स्ट्रांग रहना चाहिए वाला पार्ट। इसमें 54 मेंबर्स हैं और 3 ईयर टर्म है, जैसा अभी हमने UNHRC देखा वहाँ पे 47 मेंबर है और 3 ईयर टर्म, यहाँ पे 54 है 3 ईयर टर्म। इसके बाद देखो और कुछ ग्रुपिंग है, एक है ऑकुस, ऑकुस में देखो 3 कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US, AUKUS 2.7.7 में है देखो दिया हुआ। तो वो क्या है, US और UK दोनों मिलके ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करेंगे न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में। ओके, उसको कहते हैं ऑकुस, और ऑकुस को ही एंग्लोस्पियर भी कहते हैं क्योंकि तीनों भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। ओके, एंग्लोस्पियर इस साल में से पूछा गया था ऑकुस के बारे में। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये भी न्यूज में है, इट इज फाउंडेड इन 1865, इज द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन वगैरह होता है ये देखता है, तो ओल्डेस्ट इवन स्पेशलाइज एजेंसी है।
आईटीओ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इवेंट, एक है ओल्डेस्ट और एक है अगर पूछा जाए हमको फर्स्ट यूएन स्पेशलाइज एजेंसी, तो तब क्या आएगा आंसर? आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी और ओल्डेस्ट यूएन स्पेशल एजेंसी कहा तो आईटीओ। ओल्डेस्ट में क्या एस्टैब्लिशमेंट वाइज देखेंगे आप, और जो फर्स्ट यूएन मतलब यूएन स्पेशल जिसको यूएन रिकॉग्नाइज कर रहा है, दोनों एक दूसरे से एग्रीमेंट करके अटैच हो रहे हैं, तो आईएलओ ने सबसे पहले किया। आईएलओ कब बनाई गई थी वैसा? 1919 आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्साय, हेडक्वार्टर जिनेवा में। और एक बॉडी न्यूज में यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसने क्या बोला, एक रिपोर्ट निकालता है ये, इसने बोला इंडिया इज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, और इसका मतलब ये होता है इंडिया इज वर्स्ट वायलेटर ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। यूएन सी आर एफ ये क्या है, इंडिपेंडेंट बाय पार्टीशन यूएस फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी, और ये क्या करते हैं हर साल रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर कंट्रीज को रैंक देती है। इंडिया को उसने क्या कहा, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न था। थ्री पॉइंट वन पॉवर्टी के ऊपर है, पॉवर्टी के लिए रिपोर्ट रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आए हैं, उतना काम का नहीं अपना। एक याद रखना जो फेमस इंडेक्स है पॉवर्टी का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल मतलब पहले डायमेंशन आएंगे फिर इंडिकेटर आएंगे, डायमेंशन 3 है, इंडिकेटर 10 है, 3 डायमेंशन 10 इंडिकेटर। वो जो 3 डायमेंशन है एजुकेशन हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सेम है एसडीआई में भी हम ये तीनों ही देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग स्कूल अटेंडेंस, हेल्थ हेल्थ में क्या देख रहे हैं यहाँ पे, चाइल्ड मॉर्टेलिटी और न्यूट्रिशन। अगर हम एचडीआई की बात करते हैं तो वहां पे हेल्थ में क्या देखते हैं, नो एचडीआई में बोल रहा हूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं ओके। और जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी वगैरह वो जो है ना वो हंगर इंडेक्स में देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसके बाद देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो उसमें 6 चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, फ्लोरिंग, कुकिंग फ्यूल, एसेट, ये देखा जाता है। अब देखो इंडिया ने अपना खुद का इंडेक्स निकाला है जो पब्लिश करता है नीति आयोग, और उसका नाम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ओके। और इसमें 12 इंडिकेटर्स हैं, दो ज्यादा है, और जो दो ज्यादा है उनका नाम है बैंक अकाउंट और एंटीनेटल केयर, ये दो ज्यादा है। और जो ये एमपीआ है वर्ल्ड लेवल का, ये पब्लिश करता है यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, याद रखो। और एक टर्म आती है टाइम पॉवर्टी, टाइम पॉवर्टी मतलब इट इज द स्टेट ऑफ हैविंग लिटिल टाइम फॉर सेल्फ, खुद के लिए कम टाइम मिल रहा है, तो इससे क्या होता है, इट लीड्स टू पुअर फूड चॉइसेस, हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस अमंग वुमन गर्ल्स, क्योंकि जनरली वुमन गर्ल्स को मतलब काम बहुत रहता है घर पे वगैरह, डोमेस्टिक वर्क वगैरह, जॉब वाले रहेंगे तो घर का काम, बाहर का काम, तो इसलिए क्या है स्ट्रेस वगैरह डेवलप होता है टाइम पॉवर्टी का। करंट अकाउंट डेफिसिट 3.2, अब करंट अकाउंट डेफिसिट न्यूज में अभी क्या है वो मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो अब हमारे लिए इसका जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ओके। इसमें दो अकाउंट रहते हैं करंट और कैपिटल, करंट में क्या चीजें रहती है विजिबल और इनविजिबल। विजिबल में क्या रहता है, जो गुड्स में जो ट्रेड होता है ना उसको विजिबल में लेते हैं, क्रूड ऑयल, कार्स, मोबाइल, कंप्यूटर, बेच रहे खरीद रहे, तो यहाँ पे हमारा प्लस है क्या माइनस है, सरप्लस है या डेफिसिट है, डेफिसिट है इनविजिबल, और इन डेफिसिट है मतलब विजिबल जो करते हैं ट्रेड उसमें डेफिसिट है। अब दूसरा जो इनविजिबल, इसमें सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर आते हैं। सर्विसेज में याद रखना हम पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट दिया था लास्ट ईयर, सर्विसेज में नेट सरप्लस है हमारा ओके, सर्विस एक्सपोर्ट ज्यादा कर। दूसरी बात इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, जैसा एफडीआई एफआईआई बाहर के लोग, सपोज बिल गेट्स ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया ओके $1 बिलियन, अब उसके ऊपर उसको 10 मिलियन रुपीज प्रॉफिट हुआ,
तो ये जो 10 मिलियन प्रॉफिट जो रहता है ना, जिसको डिविडेंड कहते हैं, ये आता है इनकम में, मतलब करंट अकाउंट में। और जो एफडीआई है $1 बिलियन, वो आती है कैपिटल अकाउंट में। उसके ऊपर जो इनकम मिल रहा है वो आता है करंट में, याद रखो। ऐसे सेम कंसेप्ट है मतलब रिवेन्यू और कैपिटल अकाउंट में। जब हम बजट देखते हैं, लोन लेना देना कैपिटल में आता है, लोन के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो रिवेन्यू में, याद रखो। अब इसके बाद देखो ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स मतलब जैसे रिमिटेंसेस वगैरह जो आते हैं, मतलब तो बाहर से कोई हमारे लोग हैं वो पैसा भेज रहे हैं वगैरह। रिमिटेंस में पॉजिटिव है, इनकम में भी निगेटिव बैलेंस है। ओवरऑल करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट रहता है ओवरऑल। इसके बाद देखो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में इन्वेस्टमेंट आते हैं, एफडीआई, एफआई, लोन, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल, कमर्शियल बोरोइंग। बैंक अकाउंट में क्या आता है? एनआरआई। ओके, बैंक अकाउंट, एनआरआई के बैंक अकाउंट ये कैपिटल अकाउंट में आते हैं। एक स्टेटमेंट आया था एनआरआई डिपॉजिट, वो एक्सटर्नल डेट में आते ही नहीं आते हैं, तो वो शायद इसमें कैपिटल अकाउंट। लोन में कंसिडर करते हैं क्या इसको? एनआरआई डिपॉजिट तो देखना है कहाँ पे लायबिलिटी, तो लोन में आता है कि नहीं आता है? लोन में नहीं आता है, ठीक है। हाँ, एनआरआई डिपॉजिट। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या है इसमें। हाँ, ये देखो यहाँ पे अगर हमको पूछा जाए बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो वो क्या रहता है? सिर्फ जो गुड्स में ट्रेड होती है ना उसको कंसिडर करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। गुड कितना खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, सर्विस वाला नहीं लेते पार्ट्स। ओके, मतलब विजिबल वाला पार्ट लेते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, अब आगे आ जाओ। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, कुछ खास है नहीं, स्किप कर सकते। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, इसमें भी कुछ खास है नहीं, स्किप कर सकते। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो ये क्या हुआ है देखो, इन इट्स फर्स्ट बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एज द फ्लोर इन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। तो क्या रहता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू एब्सॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलैटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन रिटर्न। और उर्जित पटेल कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। बैंक के पास कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है डिपॉजिट्स, जैसा डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था। सारे लोगों ने क्या किया, नोट सब जमा कर दिए 500 के, 1000 के नोट्स बैंक में। बैंक के पास पैसा बहुत बढ़ गया है, लेकिन आरबीआई क्या करता है, सिर्फ सीआरओ और एसएलआर इतना ही रख सकता है अपने पास, मतलब तो बैंक के पास से लेके। लेकिन फिर बैंक के पास तो पैसा बहुत ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में आरबीआई और ज्यादा पैसे बैंक के पास से अपने पास लेना चाहता था, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये लेके आए। तो सिंपली आरबीआई बोलेगा इतना इतना पैसा हमारे पास जमा कर दो। ओके, तो इसको कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी टू एब्सॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंक। ओके, ये और इसमें क्या रहता है देखो, इसमें मतलब जैसा रेपो रिवर्स रेपो में गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता है बैंक को और बैंक के पास से पैसा ले लेता है। लेकिन इसमें सिक्योरिटीज देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट वन वे पैसा ले लेगा। इसके बाद देखो यहाँ पर नीचे चार्ट दिया है, देखो इसमें रिवर्स रेपो रेट दिए, रेपो रिवर्स रेपो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेपो रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब वो जो रेट रहता है इंटरेस्ट रेट वगैरह कितना रहता है। ये रेपो में आरबीआई बैंक को लोन देता है, रिवर्स रेपो में बैंक आरबीआई को लोन दे रहा है। ओके, याद रखो। इसके बाद देखो आगे चलते हैं, कोल सेक्टर इन इंडिया कुछ खास है नहीं। ये जो मैप है इसमें कोल के माइंस दिए हैं इंडिया के। ओके, जैसा कोल बेल्ट जो है इंडिया का मेजर है झारखंड वेस्ट बंगाल में। झारखंड में दो तीन माइंस है, मैं नाम बोलता हूँ आपको। जैसा एक है झरिया, झरिया, एक है गिरडी, झरिया गिरडी, ये दो याद रखो। वेस्ट बंगाल में रानीगंज, रानीगंज ओल्डेस्ट कोल्ड माइन है,
ओल्डेस्ट या लार्जेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेघालय में भी कोल माइंस है। मेघालय इसलिए फेमस रहता है कोल माइन, वो रैट होल माइनिंग होती है वहाँ पे। बहुत छोटा सा एक टनल बनाते हैं, सिर्फ आदमी वो भी खड़ा नहीं, सो के जाना पड़ेगा, और वो जाके क्या करते हैं, कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं। पर इसमें क्या होता है, कई बार कोलैप्स हो जाता है, वो रूफ कोलैप्स होता है, पॉइजन निकल जाता है, हजार डल जाए, उसमें डेथ हो जाती है कई सारे लोगों की। राइट होल माइन तेलंगाना में मिलता है कोल, महाराष्ट्र में मिलता है चंद्रपुर साइड में, ओके, और राजस्थान, लद्दाख और गुजरात। ये जो ब्लैक कलर का है ना, अच्छा लिग्नाइट, ओके, कोल के चार चार टाइप है। उसमें से याद रखना अपने पास पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट, बिटुमिनस ज्यादा है इंडिया में, और एंथ्रासाइट कम है, जम्मू कश्मीर में मिलता है एंथ्रासाइट, ओके। और ये जो रॉक रहता है टर्शरी रॉक में मिलता है, गोंडवाना और टर्शरी जो कोल मिलता है, गोंडवाना और टर्शरी रॉक में, याद रखना। इसके बाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, हाँ हाँ बोलिए, हेलो, हाँ होनी हाँ साइड में जो बोलिए, स्पेशल कोल होता है वो कौन सा होता है? कहाँ पर जी, आप फिर से वनी बोलिए, बाटा, चंद्रपुर साइड, वनी चंद्रपुर साइड में जो स्पेशल कोल मिलता है वो कौन सा चंद्रपुर होता है? में हाँ चंद्रपुर वनी, जो, हाँ ये जो मिल रहा है मैक्सिमम बिटुमिनस रहता है, ओके, ओके। ठीक। इसके बाद देखो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ये जो मैप्स है ना अपने 12th एनसीईआरटी है, इंडिया इकोनॉमी एंड पीपल, उसमें मतलब दिए हैं। इसमें कोशकों से देखो, कोल वाले देखो, आयरन के देखो, आयरन, फिर इसी तरीके से क्रूड ऑयल वगैरह इंडिया में कहाँ पे मिलता है, और उसके बाद कॉपर, ओके, चार पांच मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं हमको पता रहना चाहिए, उसके फेमस माइंस। इसी तरीके से यूरेनियम, गोल्ड, और ये अपना थोरियम एक मिलता है इंडिया में, तो कहाँ कहाँ पे मिलता है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो देखो सेमीकंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज मटेरियल दैट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटी टू कंडक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। सेमीकंडक्टर ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में, इंसुलेटर रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा रहेगा, इंसुलेटर में, कंडक्टर में सबसे कम रहेगा और सेमीकंडक्टर में मीडियम रहेगा। वो स्टेटमेंट क्या बोलेगा, सेमीकंडक्टर हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं रहता, मीडियम रहता है, ओके। और ये सारे जो वर्ड्स हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, फोटोवोल्टाइक सेल, इन सारों में मतलब सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं, ओके। सेमीकंडक्टर के खास एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, अर्सेनिक, गैलियम, ये क्या है, सेमीकंडक्टर से। अब आगे आ जाओ, न्यूज़ इन शॉर्ट्स, ठीक। अब यहाँ पर देखो 2.3.8.1, तो बेसल नॉर्म का मेंशन आया है, और एक टर्म आई है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या फिर इसको CRAR भी कहते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो नाम भी मतलब है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, कैपिटल कितना है बैंक के पास, कैपिटल मतलब शेयर्स कितने हैं, इक्विटी कितना है, डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, मतलब ऐसे लोन जो मतलब रिस्की है, जिन पे डाउटफुल है, तो ऐसा इसका रेशियो बेसल बोलता है कि मतलब इतना इतना परसेंटेज रहना चाहिए, ओके, तो उसको कहते हैं CRAR नॉर्म्स, तो ये बैंक को फॉलो करना है। दूसरी चीज, एक मोरल हजार्ड प्रॉब्लम ये दिया है, ये क्या रहता है, देखो बैंकिंग में इसको ये यूज होता है मोरल हजार्ड टर्म। तो क्या करते हैं, बैंकिंग यूजुअली टेक रिस्क, बैंक क्या करते हैं, बहुत रिस्क लेते हैं टू बिकम मोर प्रॉफिटेबल, बिकॉज दे नो द गवर्नमेंट विल बेल देम आउट इन फ्यूचर, बेल देम आउट मतलब प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। ये बैंक क्या करते हैं, मतलब ये एकदम लाइटली करते हैं, और किसको भी कितना भी लोन दे देते हैं रिस्क लेके, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, लेकिन अक्सर वो डूब जाता है, लेकिन वो बैंक को मालूम रहता है कि हम तो डूबेंगे नहीं, गवर्नमेंट के बैंक हैं हम, तो फिर उसको कहते हैं मतलब मोरल हजार्ड, याद रखो ये टर्म आती है, इसलिए वो रिकैपिटलाइजेशन वगैरह हम जो करते हैं ना उसको क्रिटिसाइज यही होता है, मतलब तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं है, ये बस क्या कर रहा है गवर्नमेंट, पैसा ज्यादा लेके आ रहा है बैंक, लेकिन प्रॉब्लम तो वैसे ही परसिस्ट रहेगा। दूसरी बात, तब आगे वेज एंड मीन्स एडवांस, देखो हमने पढ़ा था जैसा जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए रहता है
तो गवर्नमेंट क्या करता है, ट्रेजरी बिल इशू करता है, शॉर्ट टर्म में चाहिए 90 to 360 days के लिए। अगर एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए पैसा चाहिए तो डेटेड सिक्योरिटीज निकालते हैं। अब अगर एक अगर 90 डेज से कम, मतलब 3 महीने से कम के लिए पैसा चाहिए तो क्या करेगा, तो जो टेम्पररी मिसमैच है इसके लिए भी फैसिलिटी है, वेज एंड मिड अडॉन्स। तो इसमें क्या करता है, आरबीआई एक्ट में दिया हुआ है टेम्पररी एडवांसेस गिवन बाय आरबीआई टू द सेंटर एंड स्टेट्स टू टाइड ओवर एनी मिसमैच इन रिसीप्ट एंड पेमेंट। पैसों की जरूरत है उनको तो स्टेट और सेंटर दोनों भी क्या आरबीआई से लोन ले सकते हैं, इसको कहते हैं WMA। लेकिन इसकी लिमिट रहती, एक पर्टिकुलर लिमिट उस उतना ले सकता, ओके। और इसको 3 महीने के अंदर आपको लौटाना है, और जो इंटरेस्ट रहता है इसमें रेपो रेट के बराबर। लेकिन देखो इसमें क्या है, दो टाइप है WMA में, वेज एंड मिन एडवांस। नेक्स्ट पेज पे दिया है वो डायग्राम, देखो एक शॉर्ट टर्म है एक लॉन्ग टर्म है, सॉरी WMA स्पेशल और नॉर्मल। स्पेशल WMA क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो रहता है रेपो माइनस वन, रेपो जितना रहेगा, रेपो 4% है तो 3% रहेगा, मतलब कम रहेगा। और एक रहता है नॉर्मल WMA, उस पर इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रेपो रेट, मतलब पहले जब स्टेट पैसा लेता है तो स्पेशल ड्रॉइंग के हिसाब से लेता है, और वो लिमिट क्रॉस हो गई तो फिर नॉर्मल WMA उसको कहते हैं, और इंटरेस्ट रेट फिर रेपो के बराबर है। याद रखना है, दोनों में कन्फ्यूज होगा स्पेशल और नॉर्मल, हमको लगेगा कि नॉर्मल में कम रहना चाहिए इंटरेस्ट, नॉर्मल में नहीं कम है स्पेशल में कम, याद रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद वाली जो इमेज ऐड की गई है बेसल नॉर्म्स है, बेसल ऐसे 3 नॉर्म्स आए हैं बेसल के, बेसल 1, 2, 3। अभी इंडिया में 2 है, 3 को हम इंप्लीमेंट करने वाले थे पर कोविड आ गया, ओके। तो अब देखो 2 और 3 इंपॉर्टेंट है, फिर भी बेसल 1 में देखो क्या था, जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म थे 8% का, CRAR कितना मेंटेन करना था आपको 8%, बेसल 2 में उसको 9% करते हैं, बेसल 3 में भी उसको 9%। अब ये जो इसको डिवाइड किया जाता है, मतलब कैपिटल मतलब दो टाइप का रहता है, Tier 1, Tier 2। Tier 1 मतलब जो शेयर होल्डिंग वगैरह रहती है, और Tier 2 मतलब ऐसा कैपिटल जो कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है ऐसा प्रॉफिट वगैरह। तो Tier 1 7%, Tier 2 2%, तो टोटल 9% आपको रखना है। और इसी तरीके से और एक एडिशनल बेसल 3 ने एक एडिशनल क्राइटेरिया बोला, कैपिटल कंजर्वेशन बफर बोलते हैं, वो 2.5% रखना है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, मतलब 9% तो आपको कैपिटल में पैसा रखना है, साथ में 2.5% भी एडिशनल रखना है, ओके। तो वो सिंपल क्या बोलेंगे क्वेश्चन, कैपिटल कंजर्वेशन बफर द टर्म इज रिलेटेड टू, तो ये आती है बेसल 3 में, और 2.5% याद रखो। तो इसके ऊपर ये इसलिए ऐड किया था क्योंकि वो 2 पेज पहले उसके ऊपर आर्टिकल है, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, तो ये 2.5% है बेसल 3 के हिसाब से। और इसके बाद एक चीज याद रखो, काउंटर साइक्लिकल इसका मतलब क्या होता है, काउंटर साइक्लिकल मॉनिटरी पॉलिसी मतलब क्या है, बफर मतलब एक्चुअली क्या, जैसे एग्जांपल जैसा रिसेशन चल रहा है तो क्या करेंगे, मार्केट में डिमांड नहीं है तो मार्केट में पैसा बढ़ाना पड़ेगा, तो पैसा बढ़ाने के लिए एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जो चल रहा है उसके उसके अपोजिट वाली रिएक्शन देगा गवर्नमेंट, तो उसको कहते हैं काउंटर साइक्लिकल मेजर्स। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो 3.8.6 ये कुछ निधि कंपनी न्यूज में थे, निधि कंपनी को ही म्यूचुअल बेनिफिट फंड भी कहते हैं, ध्यान से देखो। निधि कंपनी क्या है, NBFC है, इसमें क्या करें, सपोज हम 10 लोग हैं तो हम 10 लोग क्या करेंगे, पैसा जमा करेंगे हर महीना और आपस में एक दूसरे को लोन देंगे, लोन या इन्वेस्टमेंट जो भी, तो इसलिए इसको म्यूचुअल बेनिफिट फंड भी कहते हैं। पैसा जमा करें, बाहर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपस में लोन दे रहे किसी को, तो उसको निधि कंपनी कहते हैं। ये जो एक चिट फंड रहता है जिसको हम BC कहते हैं, वो थोड़ा सा अलग है। BC में क्या, लोन नहीं रहता, वो हर एक को बारी बारी से क्या करते हैं, वो पूरा अमाउंट जमा करके देते हैं, तो चिट फंड हो गया।
और निधि कंपनी में पैसा जमा करके एक को लोन दे रहे हैं, ठीक है, ग्रुप में से। निधि कंपनी को जो रेगुलेट करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो बोलेगा निधि कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी, नॉट सेबी, एमसीए करता है। और ऐसे अपना चिट फंड है, चिट फंड को रेगुलेट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है, याद रखो। इसके बाद एक और एक टर्म यहाँ पर आई है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये क्या रहता है, देखो, इट इज अ क्लास ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर इनकम टैक्स लॉ। आर एन ओ आई रिप्रेजेंट अ पर्सन हु डज नॉट क्वालिफाई एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये ऐसा पर्सन रहता है जो 120 दिन से ज्यादा इंडिया में रह रहा है, लेकिन 182 डेज से कम। मतलब नॉर्मल रेसिडेंट हम किसको बोलते हैं, जो 6 महीने से ज्यादा इंडिया में रह रहा है, लेकिन ये क्या है, 6 महीने से कम और 4 महीने से ज्यादा, 4 मंथ से ज्यादा। तो उसको एक अलग से कैटेगरी बनाई, ये लोगों पे हम टैक्स लगाएंगे। ओके, इसको कहते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा रहना चाहिए। पीस क्लॉज फिर से न्यूज में, इंडिया इनोक्स पीस क्लॉज थर्ड टाइम। ओके, डब्ल्यूटीओ के अंडर में सब्सिडी आप कितना दे सकते हैं, एम्बर वॉक्स सब्सिडी 10%, डेवलपिंग कंट्रीज 10%, लेकिन इंडिया इसको थर्ड टाइम इंडिया ने वायलेट किया, क्योंकि जो हमारा एमएसपी वगैरह जो है ना बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से वायलेट हो रहा है। इसी तरीके से हम दूसरे भी स्कीम्स लाए, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना वगैरह, ऐसा ये सारी चीजें चल रही है अपने पास। तो इसी तरीके से हम सब्सिडीज देते हैं फार्मर्स को, फर्टिलाइजर सब्सिडी, सीड सब्सिडी वगैरह। तो ये है, और याद रखना इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू द इनोक पीस क्लॉज इन 2020। इसी तरीके से पीस क्लॉज कौन से डब्ल्यूटीओ के समिट में आया फर्स्ट टाइम, बाली समिट 2013। इसका एक जे फॉर्म बोल के एक डॉक्यूमेंट है, ये इट इज लाइक एन इनकम सर्टिफिकेट। पंजाब गवर्नमेंट देंगी फार्मर्स को, फार्मर जब अपना माल बेचेंगे मार्केट में तो वो कितना माल बेच रहे हैं वही हिसाब से उनको जे फॉर्म दिया जाएगा। अब इसका यूज क्या होगा, ये फॉर्म लेके वो लोग बैंक से वगैरह लोन ले सकते हैं फार्मर्स, इनकम अपना दिखा के, ठीक है। अब आगे आ जाओ सिक्योरिटी में, क्रिप्टो करेंसी कुछ खास है नहीं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये हम हमेशा पढ़ते हैं। 1989 में इसको बनाया गया था, 39 अभी मेंबर्स हैं, इंडिया भी मेंबर है। ये मेनली क्या करता है, टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंस, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए। ये दो लिस्ट मेनली लगता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो ये अभी फिलहाल दो कंट्री ब्लैक लिस्ट में, ईरान, नॉर्थ कोरिया, और ग्रे लिस्ट में बहुत सारे हैं, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, यूएई भी ग्रे लिस्ट में है। देखो यूएई, जमैका, म्यांमार, तुर्की, कंबोडिया। अब इसके बाद 4.3 अफसा एक्ट जिसको कहते हैं, वो भी न्यूज में, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इन नॉर्थ ईस्ट। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट हैज पार्शियली विदड्रॉन आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ थ्री नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, आसाम, नागालैंड, मणिपुर के कुछ पार्ट्स हैं, नॉट कम्प्लीटली। तो ये जो एक्ट आया है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह भी पता रहना चाहिए। ओके, इसको सबसे पहले लाते 1958 में। ओके, और सबसे फर्स्ट स्टेट था नागालैंड, नागालैंड फर्स्ट स्टेट था, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्ट है ये लगाया जाता है डिस्टर्ब एरियाज में, टू ब्रिंग पीस या टू ब्रिंग नॉर्मलसी इन डिस्टर्ब एरियाज। ओके, पर ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, जहाँ पे लगाया गया अभी तक है, मतलब पीस आया नहीं, अभी भी डिस्टर्ब है। ओके, दूसरी बात क्या होगी, इसका जो पावर है कहाँ पर, अगर आपसा लगाना है तो पावर किसको रखिए, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, दूसरा गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, और एडमिनिस्ट्रेटर मतलब यूटीज वगैरह भी तो एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करेंगे और फिर उसके ऊपर ये लागू होगा। अब इसको रिवोक कौन कर सकता है, अफसर, सेंट्रल गवर्नमेंट, एमएचए करेंगे। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला तो भी सही है, एमएचए बोला तो भी सही है। ओके, अभी रिसेंटली आप न्यूज से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, अमित शाह बोला, एमएचए मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने बोला था कि मतलब हम नॉर्थ ईस्ट से रिसेंटली सुन वी विल रिवोक। ओके,
डिस्टर्ब, अगर कोई इंसर्जेंसी चल रही है, अनस्टेबिलिटी आ गई, मिलिटेंसी बढ़ गई, तो वहां पे पीस लाने के लिए फिर आर्मी को ज्यादा पावर मिलती है इसमें। आर्मी किसी को भी वहां पे शूट कर सकती है, वार्निंग देकर, शूट वाइट वार्निंग देना पड़ेगा, तो कोई भी प्रीमाइसेस को सर्च कर सकती है किसी को भी, मतलब वारंट वगैरह, अरेस्ट विदाउट वारंट वगैरह ये सब कर सकते हैं। ओके, और इम्यूनिटी रहती है। तो इसके रिव्यू के लिए बहुत सारे कमिटीज और कमीशन बिठाए गए, जैसा बीपी जीवन रेड्डी कमेटी, ये फेमस है, जीवन रेड्डी कमेटी बनाई गई थी, इसने बोला था कि आप सबको रिपील करो। फिर इसी तरीके से सेकंड एआरसी, इसने भी बोला था कि मतलब आप सबको रिपील किया जाए। ओके, सेकंड एआरसी कब बनाई गई थी और इसका चेयरमैन कौन था? सेकंड एआरसी साथ में, सेकंड एआरसी 2007, ठीक है, पांच में आया था, सात में अपना रिपोर्ट सबमिट किया, और इसके चेयरमैन थे वीरप्पा मोइली, याद है। एक्टिविस्ट इरोन शर्मिला, ये भी इससे रिलेटेड है, ये मणिपुर के एक्टिविस्ट है। शी अंडरटूक अ 16 ईयर लॉन्ग हंगर स्ट्राइक अगेंस्ट द लॉ, मतलब ये काफी समय से, मतलब ये हंगर स्ट्राइक, शायद ये मतलब पानी वानी थोड़ा सा पी लेते थे, और 16 ईयर का इतना इनका लंबा फास्ट था, लेकिन फिर इन्होंने मतलब नाविद हो गए, मतलब क्या कर सकते बोले, फिर फास्ट छोड़ दिए, पॉलिटिक्स में आ गए थे, लेकिन पॉलिटिक्स में भी मतलब वोट नहीं दिए लोगों ने। ठीक है, मेरी हाँ, नागालैंड, अच्छा, ओके, बराबर। तो 1958 में नागालैंड जो था असम का पार्ट था, और ऐसा देखा जाए स्टेट वाइज तो असम में पहले आया, और अगर रीजन पूछा तो नागा इंसर्जेंसी को कर्ब करने के लिए लाया गया था, ऐसा बोल सकते। ओके, ठीक है, अब इसके बाद देखो और क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक आईडेक्स, नॉट आयोडेक्स, एक है आईडेक्स, तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस, ये डिफेंस के लिए है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने के लिए, इतना याद रखो, आईडेक्स डिफेंस से रिलेटेड, बस आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईडेक्स प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू, नीचे देगा फार्मेसी, आर्डेक्स उसका एक नया वर्जन आया, ठीक है, डिफेंस का है। ओके, इंडियन नवाल शिप वाक्शीर, ये जो प्रोजेक्ट 75 चल रहा है, इसमें स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बना रहे हैं छह, इसमें से छठी अभी लॉन्च होगी। ओके, तो पहले के जो थे कलवारी, कांदेरी, करंज, वेला और वागीर, और ये भी अब आ गई वाक्शीर। हेलिना, हेलिना क्या है? हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग, इट इज थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ओके, ये जो मिसाइल्स है ना, हम उनको देखते हैं पहले, इतना 4.4.10 का है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हैज अनाउंस लॉन्च ऑफ फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट ऑफ मेड इन इंडिया डॉर्नियर, ये पैसेंजर फ्लाइट है, एयरक्राफ्ट है, जिसको इंडिया ने बनाया है, इसका फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट अभी होगा। ओके, इसको बनाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिलीवर्ड टू अलायंस एयर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ओके, ये नाम याद रखना है, कमर्शियल एयरक्राफ्ट वगैरह रहेंगे तो ये बनाता है, डिफेंस के जनरली डीआरडीओ बनाता है। अब देखो इसके नीचे का जो पेज ऐड किया हुआ है, ये इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम है, जिसको हम IGMDP कहते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, APJ अब्दुल कलाम इसके हेड थे, और इन्होंने इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया था, इसलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो इसमें से देखो कुछ ऊपर के जो चार मिसाइल है हमको पता रहना चाहिए। देखो मिसाइल जो रहते हैं यहाँ पर दो टाइप के, मेनली एक सरफेस टू सरफेस है, दूसरा है सरफेस टू एयर। सरफेस टू सरफेस में दो टाइप, एक शॉर्ट रेंज, दूसरा मीडियम रेंज, और सरफेस टू एयर में भी शॉर्ट रेंज मीडियम रेंज। जो सरफेस टू सरफेस है वो है पृथ्वी एंड अग्नि, पृथ्वी अग्नि सरफेस टू सरफेस, पहला शॉर्ट रेंज है, दूसरा मीडियम रेंज है। उसके बाद सरफेस टू एयर देखो, त्रिशूल एंड आकाश, त्रिशूल और आकाश, ये क्या है? सरफेस टू एयर, एयर से आकाश याद रखो, आकाश मतलब स्काई, त्रिशूल ये भी ऊपर फेंकते हैं आसमान में,
ओके सरफेस टू एयर दो है, त्रिशूल आकाश, सिंपल बोलेंगे आकाश इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, तो गलत आएगा, आकाश इज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये ऊपर के चार मिसाइल, उसके बाद पांचवा भी याद रखो, एंटी टैंक, मतलब जैसा आप टैंक टैंक जो रनगार्ड है उसको खत्म करना है, तो नाग मिसाइल। ओके सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस कोई भी रह सकता है। अब इसके बाद देखो दूसरा जो मिसाइल हमको याद रखना है वो ब्रह्मोस है। ये ब्रह्मोस हमारा क्रूज मिसाइल है, ऊपर वाले जो होते हैं वो बैलिस्टिक थे, क्रूज मतलब ये पूरे गाइडेड रहते हैं, जीपीएस एडेड रहते हैं, एक्यूरेसी बहुत रहती है। ओके और इसमें ये देखो, इट कैन बी यूज लॉन्च फ्रॉम सरफेस एयर वाटर, कहाँ से भी लॉन्च कर सकते हैं सरफेस एयर वाटर, इट इज नॉट न्यूक्लियर कैपेबल, न्यूक्लियर की कैरी नहीं कर सकता। ओके क्रूज वाला जो है न्यूक्लियर के लिए नहीं है, लेकिन जो अग्नि है ना अपना अग्नि न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर उस पर हम वारहेड रख सकते हैं। इसके बाद एक बराक एक याद रखना, बराक क्या है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर है, हमने शॉर्ट रेंज देखा, मीडियम रेंज देखा, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर वो है बराक, इंडिया और इसराइल दोनों मिलकर बनाए। और एक है अस्त्रा, अस्त्रा यहाँ पे देखो स्टार्ट में ए है आखिरी में भी ए है, तो ये मिसाइल है एयर टू एयर, स्टार्ट में ए है आखिरी में, तो ये एयर टू एयर याद रहेगा। ओके जो राइट मार्क किए हुए इतने ही याद रखना। क्वेश्चन आते हैं, अब देखो आईपीसीसी का फिर से रिपोर्ट आया है, असेसमेंट रिपोर्ट, तो पूरा वही कहानी रहती है, कुछ खास तो नहीं। आईपीसीसी का याद रखो 1988 में बनाई गई थी, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी दोनों मिलकर बनाए थे, 195 मेंबर्स हैं। ओके आईपीसीसी को पीस का नोबेल प्राइज भी मिला है 2007 में, आईपीसीसी अलॉन्ग विद यूएस प्रेसिडेंट अल गोर दोनों को मिलकर नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, ये याद रखो। इसके बाद जो सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है मतलब ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, तो वो कौन से सेक्टर से हो रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर, एनर्जी मतलब जैसे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट वगैरह, ये सारे यहाँ से हो रहा है। दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा है एग्रीकल्चर, पहले के एक दो याद रख दिए तो भी चल जाएगा। ऑनलाइन जो स्टूडेंट है आवाज वगैरह आ रही बराबर से? यस सर। ठीक है, कुछ डाउट वाउट है तो पूछ सकते हो। अब देखो 5.2 यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, तो कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, कार्बन ट्रेडिंग ये भी हमेशा न्यूज में रहता है। ओके तो अभी क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कार्बन ट्रेडिंग स्कीम दैट विल सब्ज्यूम ऑल कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म इन इंडिया। कार्बन ट्रेडिंग क्या रहता है कि मार्केट बेस्ड सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग परमिट एंड क्रेडिट दैट अलाउज द परमिट होल्डर टू इमिट कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है, देखो सपोज अपने पास दो कंपनीज हैं, एक आदिल की कंपनी है और एक अजहर की कंपनी है। अब आदिल की जो कंपनी है ये इको फ्रेंडली है, अब गवर्नमेंट क्या करता है हर कंपनी को नॉर्म देता है कि आपका कार्बन इमिशन इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आदिल भाई ने क्या किए, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज की है और जितना बोला था उससे और ज्यादा रिड्यूस किए, लेकिन अजहर भाई वो नहीं कर सके, उनके पास उतना बजट नहीं था और उनको ऐसा था कि अगर हम टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, जो भी रीजन है, तो उनका एक्सेस हो गया, वो मतलब फुलफिल नहीं कर सके, उनका जितना इमिशन था वो टारगेट से ज्यादा हो गया। तो अब लेकिन अजहर भाई के पास ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं, आदिल से खरीद कर सकते हैं, जो सरप्लस जो आदिल ने बचा है वो आदिल बेचेगा पैसों से और अजहर उसको खरीदेंगे, इस तरीके से दोनों का टारगेट भी फुलफिल हो जाएगा। इसको कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग, जो आप एनर्जी सेव कर रहे हैं वो आप सेल कर सकते हैं, ओके उसको कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग। तो उसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, बहुत सारी स्कीम थी सबको मर्ज करेंगे, सोलर रूफ टॉप सब सब बेच सकते हैं आप, ठीक है, उसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। जो रिन्यूएबल एनर्जी वो आगे आएगा अगले पेज पे तब देखते हैं। अभी जो वर्ल्ड लेवल पे क्योटो प्रोटोकॉल, अंडर क्योटो प्रोटोकॉल तीन मैकेनिज्म थे, इमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। इसमें दो याद रखो, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इसमें क्या करेगा, जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, ये क्या करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया बांग्लादेश यहाँ पे जाके इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स
क्लीन टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट बनाए, उसको कहते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। दूसरा है ज्वाइंट इनिशिएटिव, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। इसमें क्या है, दो कंट्री मिलके, मतलब दो डेवलप्ड कंट्रीज रहेंगे, जर्मनी और फ्रांस मिलके एक मतलब क्लीन प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे उनकी कंट्री। ओके, तो उसको ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। अब इसके बाद देखो, फिर पेरिस एग्रीमेंट आया। पेरिस एग्रीमेंट ने भी इसको बोला है कि कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म रहेगा, और उसके लिए उसने आर्टिकल 6 ऐड किया। आर्टिकल 6 इज रिलेटेड टू बोला तो कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, याद रखो। या फिर और एक टर्म आती है कैटोवाइस रूल बुक वगैरह, वो सब भी उससे रिलेटेड है। अब देखो, इंडिया में जो है अभी कार्बन ट्रेडिंग दो चीजें हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और दूसरा एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। अगर कोई कंपनी है, फर्म है, 1 मेगावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से बना रही है, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो जितना बनाएंगे उतना ज्यादा सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, और वो क्या कर सकते हैं, बेच सकती है दूसरे कंपनी को जिसको जरूरत है। लेकिन ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। और एक है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, परफॉर्म अचीव ट्रेड एंड अचीवेबल। मतलब जैसे आदिल भाई की कंपनी थी, ये मतलब अच्छा इसने टेक्नोलॉजी, इफिशियंट टेक्नोलॉजी यूज किए और सेविंग किया, तो ये जो सेविंग है ये बेच सकते हैं, तो उसको कहते हैं एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। लेकिन ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर में। ओके, याद रखो। जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है कार्बन ट्रेडिंग का, उसको पेरिस चेंज किया, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। वो कुछ भी नहीं, पीएम कुसुम स्कीम बार बार पढ़ते हैं, सोलर पंप्स वगैरह देना है फार्मर्स को। मिनिस्ट्री कौन सी है पीएम कुसुम की, रिन्यूएबल है, लिव एंड रिन्यूएबल। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 5.4, तो इसमें देखो ये नया इंडेक्स लॉन्च किया है नीति आयोग ने, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखो, रैंकिंग ऑफ द स्टेट्स बेस्ड ऑन देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स इंप्रूविंग एनर्जी एक्सेस, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी एफिशिएंसी। ओके, तो सबसे जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है गुजरात, गुजरात, केरला, पंजाब। ठीक है, कुछ इंडेक्सेस हैं जैसा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और एक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो पब्लिश करता है जर्मन वॉच, एनजीओ है। सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट 5.5। सैंड मैनेजमेंट में देखो क्या याद रखना है आपको, सैंड, सैंड से रिलेटेड, सैंड के माइनर मिनरल है, माइनर मिनरल मतलब उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो पूरे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक नोटिस एडवाइजरी जारी की है और रूल्स वगैरह इसके लिए बनाएंगे। सैंड याद रखना, इट इज माइनर मिनरल। डैम सेफ्टी एक्ट न्यूज में है, और ये पिछले साल एक दो साल पहले इसको लेकर आए थे। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट फॉर सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डैम्स, इनके लिए है। इसके अंडर में नेशनल डैम सेफ्टी कमिटी बनाई जाएगी। ओके, अगर नंबर ऑफ डैम्स की अगर बात करें, लार्ज डैम्स की, तो इंडिया थर्ड पे है, सबसे ज्यादा डैम यूएस में, फिर चाइना, उसके बाद इंडिया आता है। कुछ डैम्स हमेशा न्यूज में रहते हैं, जैसा मुल्ला पेरियार डैम, ये है पेरियार रिवर पे, और इसका पानी डाइवर्ट होता है वैगई रिवर पे तमिलनाडु। ओके, इसमें कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, और याद रखना डैम वाला हमने मैपिंग में डिस्कस किए थे एक पेज, उसके ऊपर पूरे इंपॉर्टेंट डैम्स थे, उसको रिवाइज करो। सतलज यमुना लिंक कैनल, इसके ऊपर भी झगड़ा चल रहा है। दरअसल इसमें क्या करने वाले, सतलज से सरप्लस वाटर यमुना में ट्रांसफर करने वाले, लेकिन सतलज है पंजाब में, यमुना हरियाणा। अब पंजाब वाले लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले हमको पानी की स्कार्सिटी हो रही है, हमको एग्री खेती के लिए पानी लगता है, फिर हमारा पानी हम कैसा ट्रांसफर करें यमुना को। फिर हरियाणा वाले बोल रहे हैं हमको भी जरूरत है पानी की, हमारी भी इंडस्ट्रीज है, हमारी भी खेती है। तो पहले एग्रीमेंट हुआ था 1966 में, और उसमें माना गया था, दोनों स्टेट ने बोला था कि सतलज और यमुना को लिंक करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, 214 किलोमीटर का लॉन्ग कैनल बनाएंगे।
अब वो कैनल तो जाएंगे दोनों स्टेट से, हरियाणा तो ने तो पूरा बना दिया है कैनल पंजाब बॉर्डर तक, लेकिन पंजाब ने अभी स्टार्ट ही नहीं किया काम, मतलब उनके स्टेट से बाहर तक, तो वो इशू हो गया। फिर दूसरी बात, ये आर्टिकल 262 इससे रिलेटेड, इनेबल पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू यूज डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर। ओके, 262 रिवर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की। अभी लास्ट टेस्ट में क्वेश्चन आया था, उसने क्या बोला, आर्टिकल 262 प्रोवाइड्स फॉर इंटरस्टेट काउंसिल, ऐसा दिया। इंटरस्टेट काउंसिल है 263 और 262 है वाटर डिस्प्यूट के, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको। यहाँ पर देखो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के, ये जो ईआई जो रहता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, उसके स्टेजेस हैं, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, एनओसी, फिर वो पब्लिक हियरिंग, अप्रूवल वगैरह, ये सारे स्टेजेस। तो वो पूछेगा स्क्रीनिंग स्कोपिंग आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड लास्ट ईयर पूछा गया था, इस साल अब मुश्किल है, इस साल दो सिटीज को दिए हैं, मुंबई और हैदराबाद। तो ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, और दूसरा है अर्बर डे फाउंडेशन। तो उसने क्या चेंज किया था, अर्बर डे तो रखा था साथ में बॉडी FAO के बजाय दूसरी बॉडी दिया था, इसलिए स्टेटमेंट गलत था। पोलियो रिलेटेड टर्टल फिर से न्यूज में। ओके, तमिलनाडु उसके प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन सेंटर बना रहे चेन्नई में। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ सी टर्टल, सबसे स्मॉलेस्ट है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन तीनों में मिलेगा, कार्निवोर है और वल्नरेबल है, आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल। यहाँ पर एक टर्म है देखो, केल्प फॉरेस्ट, वो सीवीड वाला जो आर्टिकल है, केल्प फॉरेस्ट मतलब जो अंडर वाटर फॉरेस्ट रहते हैं उनके लिए टर्म आते हैं केल्प फॉरेस्ट, और सीवीड मतलब जो ग्रासेस वगैरह रहते हैं, ये फूड रहते हैं वहाँ के मरीन क्रिएचर्स के वगैरह। ओके, और बायो इंडिकेटर्स भी। ग्लोबल लैंड आउटलुक, ये रिपोर्ट आई है, ये पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD ये पब्लिश करता है ग्लोबल लैंड आउटलुक। तो ये बताओ ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक कौन पब्लिश करता है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक UNEP करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF करता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक करता है। तो याद रखो आउटलुक वाले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टील स्लैग रोड वगैरह ऐसा कुछ न्यूज में है, 5.6.7। स्टील स्लैग मतलब क्या रहता है, हम आयरन से स्टील बनाते हैं, आयरन ओर से, इसमें क्या है बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसको कहते हैं स्लैग। लेकिन जो स्लैग रहते हैं ना, ये मल्टी यूटिलिटी रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, वो क्या पूछेगा UPSC, स्टील स्लैग कैन बी यूज्ड इन, तो ऐसे क्वेश्चन में इंक्लूसिव अप्रोच रखो, ऑल ऑफ दिस लेना। ऐसे पूछा था कॉपर स्लैग किस में यूज कर सकते हैं, तो इंक्लूसिव अप्रोच रखो, इसकी मल्टी यूटिलिटी रहती है। अनलेस वो मतलब बहुत ही हटके ना रहे या निगेटिव चीज तो ना रहे, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान रहता है। ग्रीन हाइड्रोजन फिर से न्यूज में, वाटर से बनाते हैं, वाटर को हीट करके, और लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं रिन्यूएबल से, सोलार और विंड, उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, तो याद रखना इसको, उसके नेक्स्ट पेज वाले डायग्राम देखो, समझ में आएगा। अच्छा डायग्राम सर बोल गया शायद ऐड करना। देखो अर्थ के, अर्थ का आउटर कोर लिक्विड है, अर्थ आउटर कोर इज लिक्विड, उसमें आयरन रहता है, आयरन क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, आयरन क्या है मैग्नेटिक मटेरियल है, जब आयरन फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेंगे, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से बनती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम सोलर विंड्स से। ओके, तो ये जो लेयर है मैग्नेटिक फील्ड का, इसको मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं, याद रख मैग्नेटोस्फीयर। एक टर्म आई है 5.6.25, उसके नीचे ही बर्नार्ड नील बर्स्टेन कॉमेट,
यूपीएससी सिंपली पूछेगा बर्नार्डिन बर्स्टेन इज द टर्म इज इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, वो क्या है कॉमेट या फिर ऐसा होता है स्पेस रिलेटेड चीज है कुछ, तो कॉमेट है। कॉमेट क्या रहता है, कॉमेट आर लार्ज ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ डस्ट एंड आइस दैट ऑर्बिट द सन, ये सोलर सिस्टम का पार्ट रहते हैं, सन को ऑर्बिट करते हैं और डस्ट और आइस से बने हुए रहते हैं कॉमेट। अब आगे आ जाओ, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी टर्म मीनिंग पता रहना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी मतलब जैसा पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, मैटरनिटी बेनिफिट है, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन, ये सब क्या है सोशल सिक्योरिटी में आता है। सोशल सिक्योरिटी वैसे ये सब्जेक्ट कॉन्करेंट में आता है क्योंकि लेबर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, और डीपीएसपी में इसके प्रोविजन है आर्टिकल 41, 42, 47, ये सारे इसमें आते हैं। और सोशल सिक्योरिटी के लिए इंडिया ने जितने भी लॉ थे इंडिया ने उसको मर्ज कर दिए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, तो इसमें जो मेजर जो एक्ट्स हैं जो मर्ज किए गए, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट 1923, काम करते हो कोई इंजरी वगैरह होगी तो आपको कंपेंसेशन दिया जाता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ये सारे आपको क्या कर दिए मर्ज करके कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में दे दिए। ग्रेचुटी क्या रहता है, इज इट पेंशन क्या, पेंशन से अलग रहता है, पेंशन से अलग रहता है। हाँ जैसा सपोज मैं कोई, सपोज मैं टाटा में काम किया, मैं 15 साल सर्विस किया टाटा में, तो मैं जब रिटायर हो जाऊंगा मेरे को पेंशन तो मिलेगा मेरा, लेकिन ग्रेचुटी मिलती है। ग्रेचुटी में क्या होता है, जैसा सपोज मैं 15 साल काम किया तो एक महीने का आधे महीने का सैलरी जो रहता है मेरा, आधे महीने का सैलरी इंटू 15, मतलब जितने साल काम किया इंटू आधे महीने का सैलरी, जैसा मतलब मेरा सैलरी था 50,000, तो आधे महीने का सैलरी है 25,000, 25,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स जितना साल में सर्व किया, तो वो पैसा वो भी मेरे को मिलता है, ये बेनिफिट है गवर्नमेंट देता है सबको, उसको ग्रेचुटी कहते हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। ओके याद रखना सबको मिलता है आधे महीने की इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है अब आगे आ जाओ, लर्निंग पॉवर्टी, ये हर साल रिपोर्ट आता है, देखो 6.3 लर्निंग पॉवर्टी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकालता है, कोई बच्चे पढ़ने में कमजोर है, पुअर है, तो उसको कहते हैं लर्निंग पॉवर्टी। पुअर बच्चों को नहीं कहते, लर्निंग में पुअर जो है, जिनको पढ़ना लिखना चौथी पांचवी में चले गए लेकिन रीड नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, मैथ की कैलकुलेशन नहीं है, तो वो बोल रहा है कि इंडिया में बहुत ज्यादा है और कोविड-19 की वजह से फिर से बढ़ गई लर्निंग पॉवर्टी। ओके इसके बाद देखो इंडिया गवर्नमेंट भी स्कीम चलाता है काफी बच्चों को अर्ली रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक डेवलप करने के लिए, तो वैसी एक स्कीम है निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ये बच्चों के लिए है, वो बोलेंगे अडल्ट के लिए ऐसा देंगे, निपुण बच्चों के लिए। इसके बाद देखो ऑनलाइन गेमिंग 6.4, अभी क्या है गवर्नमेंट इसको भी एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी देख रहा है ऑनलाइन गेमिंग, तो गवर्नमेंट इसको डेवलप करना चाहते हैं इंडिया का शेयर गेमिंग इंडस्ट्री में, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अभी बजट में मतलब ये लॉन्च किया गया है एवीजीसी टास्क फोर्स, एवीजीसी मतलब एनिमेशन विजुअल गेमिंग कॉमिक्स, तो इसको इंडिया बढ़ावा दे रहा है, ये हम डेवलप करें अपने गेम डेवलप करें। तो इसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ गेम्स के नाम याद रखो बस, मेन्स में अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो, जैसा अनलाइक टोक्यो ओलंपिक एंड लास्ट एशियन गेम्स एज डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट इन एशियन गेम्स 2022 ई स्पोर्ट्स सच एज फीफा पबजी डोटा 2 विल डिब्यूट एज मेडल इवेंट, ई स्पोर्ट्स भी ऐड किए जाएंगे एशियन गेम्स, तो आपको बस गेम खेल के मेडल जीत सकते हैं, एक चीज फीफा पबजी डोटा, ठीक है। लेकिन अब वो उसके नेगेटिव्स भी फिट सेटबैक्स भी हैं, वो पूरा आगे दिया है डिटेल में। कुछ गेम्स याद रखो जैसे ब्लू व्हेल भी काफी न्यूज में था,
ऑनलाइन सुसाइड गेम था एक, पोकेमोन गो वगैरह ये सारी। अब आगे आ जाओ 6.5.1 में, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA रिलीज स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट। ओके, अब ये रिपोर्ट है, पॉपुलेशन का रिपोर्ट है, तो UNFPA पब्लिश करता है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, जो फुल शॉर्ट फॉर्म से जो फुल फॉर्म पता रहना चाहिए। लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, वो था इंडिजिनस लैंग्वेज के लिए, वर्ल्ड इंडिजिनस लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड बाय, वहां पे उसने दिया था UNFPA, नहीं यूनिसेफ दिया था। यूनिसेफ क्या है, चिल्ड्रन फंड, और वो लैंग्वेज का किया तो यूनेस्को करना चाहिए। तो जस्ट मतलब क्या कर रहा है, वो ऑर्गेनाइज का नाम चेंज कर रहा है, शॉर्ट फॉर्म में दे रहा है। तो UNFPA क्या रहता है, UNCFA क्या रहता है, ये हमको पता रहना चाहिए। वो पकड़ लिए तो आंसर आ गया, दूसरा सही रहता है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ये पर्सन विथ डिसेबिलिटीज वगैरह इनके लिए। फिर इसी तरीके से 6.5.4, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें ऐसा बोला है कि आप एक साथ दो कोर्सेज कर सकते हैं, जैसा डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, या फिर दो अंडर ग्रेजुएशन एक साथ, या फिर दो मास्टर ग्रेजुएशन एक साथ आप कर सकते हैं, अलाउड है। ओके, हाँ, ये तीन चूज कॉम्बिनेशन, डिप्लोमा विद अंडर ग्रेजुएट, या फिर टू मास्टर, या फिर टू बैचलर, ये तीन चीजें यहाँ पे दिया है, लिखा है। ओके, अब इसके बाद देखो साइंस एंड टेक, ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHO डायरेक्टर जनरल लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर वर्ल्ड फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एट जामनगर। ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए जामनगर में सेंटर बनाया। वन हेल्थ, वन हेल्थ में तीन चीजें रहती हैं, ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंट, तीनों को एक साथ पॉलिसी बनाते हैं। किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ह्यूमन टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन, जैसे जूनोटिक डिसीज वगैरह है ना, जैसा कोविड वगैरह, इनका परसेंटेज बढ़ रहा है। तो इसलिए अब एनिमल का भी हेल्थ स्टडी करना इंपॉर्टेंट बन गया, इन्वायरमेंट का भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट बन गया। तो इस सारों को एक साथ स्टडी करना मतलब वन हेल्थ पॉलिसी का, ये WHO का। फिर इसके बाद 7.3, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, ये बार बार आता है, रैमजेट स्पैमजेट क्या रहता है ये, तो ये जो है इंजन रहते हैं एयरक्राफ्ट के, मिसाइल के, तो इसमें क्या रहता है, देखो डायग्राम देखो समझ में आएगा तुमको। जो अपना जेट इंजन रहता है, जेट जो अपने एयर फ्लाइट्स वगैरह जो रहते उनके इंजन ऐसे रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है, ये जो रोटर्स है ना, ये टर्बाइन बोलते हैं इसको, ये एयर क्या करते हैं, खींच लेते हैं, एयर आ गई, फ्यूल रहेगा अंदर और बर्न होता है, और वो बर्न होने के बाद वो प्रेशर से बाहर निकलेंगे, उससे क्या मिलता है, उसको बूस्ट मिलती है, और अपना मतलब एयरक्राफ्ट क्या होता, फ्लाइट होता, उड़ता। अब रैमजेट और स्क्रैमजेट में क्या होता है, रैमजेट में ये टर्बाइन यूज नहीं करते, रैमजेट और स्क्रैमजेट दोनों में भी टर्बाइन यूज नहीं करते एडिशनल एयर के लिए, डायरेक्ट एयर आती है उसमें, लेकिन उसका शेप देखो ऐसा रहता है ट्रायंगुलर शेप में। दूसरी बात, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस जो सेंट्रल पार्ट डिफरेंस है, देखो यहाँ पर ऊपर वाला रैमजेट में जो पार्ट है ना ऊपर का, मतलब वो जो रोटर है और उसकी दीवार है वो एरिया ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, रोटर और उसकी दीवार एरिया कम है। अब इसको एरिया कम रहा ना, आपकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, कैसा, फॉर एग्जांपल आपने कभी गाड़ी धोई होंगी या दीवारों पे पानी मारा होगा पाइप से, पाइप का आप मुंह छोटा करो, पानी क्या होता है, प्रेशर से आता है, एरिया कम किए तो स्पीड बढ़ती है। या रैमजेट में क्या, एरिया ज्यादा है तो स्पीड कम होती है, मतलब यहाँ पे जो कम्बशन होता है फ्यूल का वो क्या रहता है, सबसोनिक रहता है, साउंड की वेलोसिटी से कम रहता है। लेकिन स्क्रैमजेट में क्या है, एरिया कम है, स्पीड ज्यादा है, तो जो कम्बशन होता है सुपरसोनिक होता है, मतलब जो सुपरसोनिक कम्बशन मतलब स्पीड बहुत ज्यादा मिलेंगी, इफिशियंसी भी अच्छी रहेगी, तो ये डिफरेंस है स्क्रैमजेट में सुपरसोनिक कम्बशन और रैमजेट में सबसोनिक, ये याद रखें। बाकी इसके बाद देखो वो सन जो प्रोजेक्ट है यूरोप का, वो भी न्यूज में था, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये बंद था कई सालों से, उसको फिर से रीएक्टिवेट किया गया, ये पार्टिकल फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट चल रहा है वहां पे,
बहुत सारे कंट्रीज हैं इसमें जो पार्टिसिपेट रहे, और याद रखना इंडिया फुल टाइम मेंबर नहीं है, इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर। ये जो सन जो प्रोजेक्ट चल रहा है पार्टिकल फिजिक्स का, यहाँ पर एक ये जो चार्ट है, ये चार्ट हम हमेशा डिस्कस करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। तो सब एटॉमिक पार्टिकल दो टाइप के, बोसॉन और फर्मियम। बोसॉन मतलब जैसा बोसॉन, हिग्स बोसॉन वगैरह ये रहते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स रहते हैं। इसमें मतलब क्या रहती है, एनर्जी रहती है, ओके। और जो फर्मियम्स रहते हैं ये क्या रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट द मैटर रहता है, ये मैटर को बनाते हैं। इसमें दो टाइप रहते हैं फर्मियन में, लेप्टॉन और हेड्रॉन। लेप्टॉन में लाइटर वेट रहते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, और हेड्रॉन क्या रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये लोग रहते हैं इसमें, ओके। ये पार्टिकल की क्लासिफिकेशन याद रखना, बोसॉन और फर्मियन, फर्मियन में लेप्टॉन हेड्रॉन, ठीक है। ए इज ओएस 0.2 सैटर्न, ये भी क्वेश्चन लास्ट टेस्ट में आपने पूछा गया था। यूएस क्या है, यूएस मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन हमने डिस्कस किया, अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब पोलर में आएगा, ये पोलर ऑर्बिट नजदीक रहेगा और अच्छे तरह अच्छे रिजोल्यूशन की इमेज तुमको मिल सकती है। तो जो जनरली जो सर्विलांस के रहते हैं या फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन या रिमोट सेंसिंग, वो पोलर में रहता है, और कम्युनिकेशन वाले सिंक्रोनस में रहते हैं, जियो सिंक्रोनस। लेकिन इसका जो पर्पस था ना, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, मिनिएचराइज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारों के लिए इसको लॉन्च किया गया, नॉट फॉर सर्विलांस, ठीक। आर्ट एंड कल्चर में ओडिशा के टेंपल्स न्यूज में है, तो याद रखो जैसा लिंगराज टेंपल है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ये है ओडिशा में, लिंगराज टेंपल ओडिशा। दूसरा है जगन्नाथ पुरी टेंपल, इट इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड जगन्नाथ, अ फॉर्म ऑफ कृष्णा। देखो कृष्णा ही मतलब क्या है, विष्णु का अवतार है, इसको आप विष्णु टेंपल बोले तो वो भी सही होता है। जनरली हिंदू रिलीजन में तीन बड़े गॉड, ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश को ब्रह्मा विष्णु शिवा, महेश और शिवा एक ही रहता है, ठीक है, और विष्णु कृष्णा, और फिर अपना थर्ड वाला ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु और तीन या ऐसे याद रखना। तो कृष्णा वही विष्णु टेम्पल मतलब विष्णु का अवतार है। तो इसमें देखो जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल ये पुरी में है, इसको क्या कहते हैं व्हाइट पैगोडा, ये व्हाइट कलर के हैं देखो सब, इसको व्हाइट पैगोडा, ये सब अराउंड 11th-12th सेंचुरी में बनाए गए, और व्हाइट पैगोडा कहते हैं जगन्नाथ पुरी। और एक कोनार टेम्पल भी है, कोनार सन टेम्पल, इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ये पूरा काला काला है, इसको ब्लैक पैगोडा, व्हाइट पैगोडा जगन्नाथ हुए थे, तीनों ओडिशा में, कोनार टेम्पल भी ओडिशा में। यहाँ का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग रहता है, इनका जो विमाना रहता है उसको ये लोग क्या बोलते हैं, देउड़ बोलते हैं, विमाना को क्या बोलते हैं, देउड़ बोलते हैं। और जो मंडप रहता है सामने का जो हॉल रहता है उसको जगमोहन कहते हैं, और ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसको कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। साइक्लोपियन वॉल, साइक्लोपियन वॉल जो एक सिटी के बाउंड्री वॉल जो रहती है सिटी को सेफ्टी के लिए, उसको साइक्लोपियन वॉल बोलते हैं। और अभी क्या हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मतलब बिहार गवर्नमेंट ने प्रपोजल सेट किया एएसआई को टू लिस्ट मतलब रिकमेंड करो पटना की जो वॉल है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए रिकमेंड करो, ऐसा बोल रहा है। ये 40 किलोमीटर लॉन्ग वॉल है विच इंसर्कल्ड एंशियंट सिटी ऑफ राजगीर। राजगीर वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ किंग बिंबिसारा एंड हिज सन अजातशत्रु। ये फोटो भी दिए वॉल की, 40 किलोमीटर लॉन्ग वॉल थी, ठीक है। लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड कौन सी है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी, इसको कुमार गुप्ता ने बनाए थे 5th century में। अगर आपको तीन यूनिवर्सिटी का सीक्वेंस दिया जाए, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, तो इसका क्रोनोलॉजी में सीक्वेंस क्या आएगा, सबसे पहले तक्षशिला, तक्षशिला बहुत पुरानी, चाणक्य पासवर्ड था तक्षशिला का, और वो थे 3rd century BC में, ओके। नालंदा कुमार गुप्ता, गुप्ता आती मतलब 3rd-4th century में, और फिर पालास तो अपने 7th century,
इसके बाद आ जाओ अब इथिक्स में, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है? सरोगेट मीन्स रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट। सो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट रिफर टू एडवर्टाइजमेंट विच डुप्लीकेट द ब्रांड इमेज ऑफ वन प्रोडक्ट टू प्रमोट द अनदर प्रोडक्ट टू गेट कंज्यूमर अटेंशन एंड ब्रांड सेल। इसमें क्या होता है पता है? कोई एक कंपनी है, सपोज अभी इसका विमल का एड बहुत चल रहा है, विमल का है पान मसाला, लेकिन विमल जो वो जो ऐड किया ना, जो उसमें सभी एक्टर्स हैं, वो विमल का इलायची है, इलायची मतलब सादा, लेकिन वो इलायची छोटे इसमें लिखा हुआ रहता है और ऊपर विमल रहता है। तो एडवर्टाइज वो करें इलायची की, लेकिन इनडायरेक्ट एडवर्टाइज क्या की होती? विमल पान मसाला की होती, क्योंकि लोगों में वो फेमस है ना। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट? क्योंकि टोबैको की एडवर्टाइज करना इंडिया में बैन है, तो उसके लिए इनडायरेक्ट रूट। मतलब किंग फिशर क्या करेगा? किंग फिशर के वाइन है, लेकिन किंग फिशर क्या कर रहा है? ये मोबाइल की ऐड कर रहा है किंग फिशर बोल के, लेकिन वो ब्रांड का हाईलाइट होता है फिर से। या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक की एडवर्टाइज करेगा किंग फिशर, बॉटल पूरी वैसी वाइन की जैसी रहेंगी और किंग फिशर एनर्जी ड्रिंक ऐसा कुछ अच्छा ड्रिंक रहेगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट ऐड कहीं की होती है? वाइन की होती है। अब वो तुम वो फोटो देखो नेक्स्ट पेज वाली, वो अजय देवगन की फोटो है, ये देखो उसके वो पूरी देखना तुम, विमल नीचे देखो इलायची लिखा हुआ है, इट इज नॉट पान मसाला। लेकिन लोग क्या बोलेंगे? विमल की ऐड आई, विमल फिर से लोग फिर बोले यार ये सब लोग खाते हैं हम भी खाएंगे, फिर वो आदत बन जाए। तो इसको कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। और इंडिया में याद रखना, सिगरेट, टोबैको, वाइन, अल्कोहल, लिकर और अदर इंटॉक्सिकेट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट इसका प्रोहिबिटेड है। और दूसरा एक डेडिकेटेड एक्ट भी हमारे पास, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, इट प्रोहिबिट एडवर्टाइजमेंट ऑफ टोबैको प्रोडक्ट बाय बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मींस। ठीक है, तो लेकिन ऐसा सरोगेट एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये सब था। आगे अटल इनोवेशन मिशन वगैरह, ये इनोवेशन प्रमोशन के लिए है बच्चों में, और इसको लॉन्च किया है अपना नीति आयोग। अब आगे आ जाओ सीधा लोकेशंस पे। लोकेशन में क्या है वर्ल्ड वाले में? कुरील आइलैंड डिस्प्यूट चल रहा है इसमें जापान और रशिया का। ओके ठीक है, ये हो गया। बाकी पर्सनालिटीज पे आ जाओ, गुरु तेग बहादुर ये न्यूज में थे, 9th सिख गुरु थे, फादर ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, और इनको एग्जीक्यूशन होता है 1675 में बाय औरंगजेब। देन बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के फ्रीडम फाइटर थे, गुजरात में जगदीशपुर नाम की जगह है वहां पे इन्होंने लीडर थे वहां से। एट द एज ऑफ 80 ही लेड द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर इसके बाद चार्ल्स डार्विन फेमस साइंटिस्ट है, इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिए थे, बंदर से जो इंसान बने थ्योरी इनकी थी, और इन्होंने एक सफर किए थे वर्ल्ड टूर HMS बिगल, ये शिप का नाम था, वहां पे वो ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली ये कंट्रीज गए। इसी तरीके से गैलापागोस आइलैंड इक्वेडोर के पास है, इक्वेडोर के पास रहेगा तो कौन से ओशन में रहेगा? इक्वेडोर बॉर्डर्स टू विच ओशन? बोलो, श्योरली बोलो, ऐसा डाउटफुल नहीं, वो सिर्फ पैसिफिक को ही बॉर्डर करता है इक्वेडोर, और एक पैसिफिक आइलैंड में गैलापागोस, वो जो तुम बोल रहे हो वो है कोलंबिया है शायद, दोनों को बॉर्डर करेगा। ठीक, कोलंबिया आई थिंक, कोलंबिया वेनेजुएला, कोलंबिया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर वहां पे जाता है गैलापागोस आइलैंड पे वगैरह, और ठीक, और उनकी जो किताब का नाम था ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब नारायण गुरु भी न्यूज में है, हमेशा न्यूज में रहते हैं, सोशल रिफॉर्मर थे एजावा कम्युनिटी से, इनका स्लोगन था वन कास्ट वन रिलीजन वन वर्ल्ड, और वाइकोम सत्याग्रह जो टेंपल एंट्री का था इसको इन्होंने सपोर्ट किया था। इसके बाद दादा साहेब फाड़के, धोंडीराज गोविंद फाड़के, ये इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। इंडिया का जो फर्स्ट फिल्म था मोशन पिक्चर जिसको कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र इन्होंने बनाया। वो टाइम पे जो फिल्म था ना मोशन पिक्चर कहते थे, आवाज नहीं आती थी बस एक्शन रहते। इसका जो फर्स्ट बोलपट बोलते, पहला बोलपट मतलब फर्स्ट फीचर फिल्म, वो आलम आरा है, और फर्स्ट मोशन पिक्चर राजा हरिश्चंद्र, वो दादा साहेब फाड़के का।
अभी फाड़ के अवार्ड भी देते हैं, अभी 2 साल पहले 50th अवार्ड दिया गया अमिताभ बच्चन को, 51st देते हैं रजनीकांत को, अदूरी सीताराम राजू, तो इनके बारे में क्या है कि मतलब ये पोडू, ये रंपारी बिलियन हुआ था आंध्रा कोस्टल एरिया में कोया ट्राइब, तो इसके लीडर थे अदूरी सीताराम राजू और ये रिबेलियन हुआ था 1922-24 में। ओके, क्या किए थे बोले तो फॉरेस्ट लॉ वगैरह एप्लीकेबल किए थे वहाँ पे फॉरेस्ट में, और वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन बैन कर दिए जिसको वहाँ पे पोडो कल्टिवेशन कहते, तो उसके अगेंस्ट में ये लोगों ने आवाज उठाई थी, ये कोया ट्राइब से थे। ओके, तो इस तरीके से अपना आज का मंथली यहाँ पर खत्म होता है। ओके, इसको एक बार सिर्फ देख लो शॉर्टली या फिर इंडेक्स पढ़ लिए तो भी चल जाता। ओके, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक डाउट आया, ईस्टर्न कॉर्ड, ईस्टर्न कॉर्ड नहीं है ये, क्या है मिडल ईस्ट कॉर्ड या फिर न्यू कॉर्ड इसको कहते हैं, उसमें यूएई, इजराइल, यूएसए और इंडिया, ये चार कंट्री मिलकर करना है मिडल ईस्टर्न कॉर्ड, यूएई, यूएसए, इजराइल और इंडिया। ओके ठीक, सो ठीक है, तो आज का सेशन हम एंड करते हैं, आप लोग मतलब करो अच्छे से पढ़ाई वगैरह, और एक सेशन हम ये पूरे जो 1.5 ईयर के मंथली का रिवीजन सेशन हम लेंगे। ओके, 1 से 2 दिन में हम इसको लेंगे। ठीक है, चलो।